ये आपका है मध्य प्रदेश का मास्टर वीडियो। मेरे दृष्टिकोण से देखें तो भारत का एक अभिन्न हिस्सा, जिसके बारे में जूम आउट करके पढ़ेंगे। एक एक राज्य के बारे में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा चुका हूँ। आज मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे मध्य प्रदेश को, भारत के हिस्से को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी है। और जो आप लोगों के लिए ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये भी होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं सीधा सीधा स्टेट पीसीएस में या फिर अदर जो एग्जाम है, जैसे एमपी में एक व्यापम का एग्जाम होता है, उन सभी में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। कल के दिन आप एमपी जाते हो तो कुछ आपको जानकारी अतिरिक्त रहेगी, यदि आप एमपी से बाहर के हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं कि मैं इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। प्रयास ये था कि एक ही वीडियो में सारा हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में डिटेल से कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि ये पार्ट वन है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। इसमें काफी कुछ है, जैसे कि इसमें मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल जितना भी सेक्शन है, ज्योग्राफी लगभग लगभग हो गई है एमपी का, जैसे हम इंडिया का पढ़ते हैं, अवस्थिति विस्तार और भी जो बेसिक इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया है। इसका जो फिजिकल मैप है, जिसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ऊंचा उच्च हैं, वो सब भी हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको दिखाएं। इसके बाद जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, मिट्टी है, वर्षा वाला क्षेत्र है, वनीकरण है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा वनीकृत राज्य है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वनावरण है, तो वनावरण इन सबको मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है इस मानचित्र में। इस वाले क्षेत्र में मैंने जलवायु दिखाने का प्रयास किया है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु है, फिर मालवा का पठारीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है ना, और विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश आदिमानव का घर था, ये चीज तो आप जानते हैं ना, आदिमानव की क्रीड़ा स्थली कहा जाता, आदिमानव यही खेलता खाता था, है ना। तो पूरा का पूरा जितना भी सिनेरियो है यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक बैकग्राउंड को मैंने ज्यादा नहीं लिया, क्योंकि भारत के इतिहास से जुड़ जाता है। देखो, प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ होता है बिहार में, बिहार से कहानी चालू होती है, लेकिन पुरापाषाण काल आपका यहीं से चालू होता है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी है, ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे जो है बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पाए गए हैं जहाँ पे मानवीय जीवाश्म मिले हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य परिचय आप अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ एक्ट पूछे जाते हैं, अधिनियम पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 17 है ना भारतीय संविधान का, क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त करना। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, संसद ने कुछ कानून बनाए हैं, और उन कानूनों को यहाँ पे पूछा जाता है। पहला कानून आपका यहाँ पे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, यही जो है आपका इस समय इस रूप में है, इसको देखेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और इसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये तीन अधिनियम है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ज्यादा डिटेल तो नहीं कर सकता मैं, एक एक आर्टिकल नहीं बता सकता, क्योंकि काफी धाराएं हैं इनमें, है ना, सब में बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है इसमें 43 धाराएं हैं, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम जो आपका इसमें 17 धाराएं हैं, और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति का है इसमें आपकी 23 धाराएं हैं। तो अब सभी धाराओं को डिटेल में मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे मैंने प्रयास किया है कि मुख्य मुख्य चीजें जो उसकी हैं वो आपकी डिस्कस की जा सके, है ना। इसके अलावा आपका जनजातियां बहुत सारी, यहाँ पर जनजातियों का निवास स्थान है, तो जनजातियां कौन कौन सी रहती हैं, मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातीय है ना, उनका भी निवास स्थान है, तो जनजातियों के नाम और उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार। और इसके बाद जो है आपका मध्य प्रदेश का बेसिक जो करंट अफेयर्स है, सेंसस जनगणना मैंने पूरा लिया है, जनगणना से भी प्रश्न आते हैं एमपी के, तो ये आपका पूरा का पूरा इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाले 2 घंटों में आप मेरे साथ बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है, तो 2 घंटे मेरे साथ रहना है ताकि आप एक स्टेट के बारे में अच्छे से जान पाए। ठीक, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी भी राज्य को पढ़ना है, ठीक है, तो पहले उसकी अवस्थिति और उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कितने जिले हैं, किस जगह पे क्या है, कौन किससे जुड़ता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए।
मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, है ना, भारत का हृदय स्थल है क्योंकि आप देखते हैं बिल्कुल मध्य में है। मध्य प्रांत भी पहले बोला जाता था, पहले इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, बरार प्रांत से जुड़ा हुआ था ये, ठीक है। बाद में जो है ये सब आजादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बाद सब बदल गया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार मध्य प्रदेश का लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पे क्या अवस्थित है, ठीक है। ये जान लेने के बाद आपकी बहुत सारी आपको बेनिफिट होंगे, आप मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरा, मध्य प्रदेश के अलावा जो है आपको, जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पर है, बहुत सारे नेशनल पार्क है, है ना, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या आपकी मध्य प्रदेश में ही है, तो वो सारी चीजें आपको बहुत इजीली पता चल पाएगी कि कहाँ पे कौन सा है। तो दिमाग में एक बार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, ठीक, दिमाग में आपके राजनीतिक मानचित्र आपके पास आ जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश, ठीक, ये एक ऐसा राज्य है जो कि अंतःस्थलीय है, लैंडलॉक है, इसके चारों तरफ ना तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है और ना तो समुद्र है, ये लैंडलॉक है, स्थल रुद्ध राज्यों में आता है, स्थल रुद्ध राज्य है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ देखें तो पांच राज्य आते हैं, पांच राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक। दूसरा आप उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है, गुजरात से छोटी सी, ज्यादा नहीं, दोहाद वाला इलाका है, दाहोद वाला, वहां से ये जुड़ता, न्यूनतम सीमा है गुजरात में। फिर नीचे महाराष्ट्र है यहाँ पर, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद इधर जो आपका छत्तीसगढ़ है, जो इससे अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 को, है ना, इससे पृथक हो गया छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब इसका स्ट्रक्चर अलग था, अब अपडेटेड है, ठीक है, नए रूप में, ठीक है। तो काफी समय हो गया छत्तीसगढ़ को अलग हुए, आज तो हुआ नहीं। तो ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है पांच राज्यों से आपस में सीमा साझा करता, सीमावर्ती राज्यों की संख्या पांच, ठीक। अब इसमें बहुत सारे जिले हैं, पूरे मध्य प्रदेश को जिलों में बांट दिया गया है, आमतौर पे जो हमारा एक तरीके का स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, प्रशासन करने के दृष्टिकोण से 52 भागों में से बांट दिया, वैसे तो 10 संभागों में बांटा गया, जैसे कि मंडल होते हैं ना, है ना, वैसे यहाँ संभाग 10 संभागों में से बांटा गया है, एमपी को 10 संभागों में बांटा गया है जिसमें 52 जिले हैं, ठीक, 52 जिले हैं। और एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, एक एक जिले को देख लेते हैं। अभी जिलों में कहाँ पे अभयारण्य है, कहाँ पे आपके राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सबको हम लोग एक एक करके बाद में देख लेंगे। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे क्या है, ठीक, आसानी से देखिएगा। पहले इसको बांट लेते हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए जिलों को एक तरफ देख लेते हैं, राजस्थान से जुड़े हुए एक तरफ देख लेते हैं, मध्य महाराष्ट्र से जुड़े हुए एक तरफ देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ से अलग, गुजरात से अलग और सेंटर वाले अलग। तो पहले यूपी वाले में चलते हैं, यूपी वाले हिस्से में, यूपी में आपको पता होगा बुंदेलखंड का पठार है पूरा, बुंदेलखंड का हिस्सा कुछ यूपी में आता है, कुछ आपके एमपी में आता है, दोनों एक दूसरे से, ये वाला पूरा हिस्सा ये आपका बुंदेलखंड है, यहाँ पे मैंने दिखाया, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का हिस्सा, ये पूरा बुंदेलखंड है, ठीक है। अब इसमें ये अंदर यूपी में चले जाएंगे तो यूपी का ये पूरा हिस्सा, ये भी पूरा आता है, इतना हिस्सा एमपी में है, इधर का हिस्सा देखिए एमपी का मैप कुछ ऐसा है ना, ठीक है, आयताकार है, इसे देखा जाए तो ओवरऑल ये आयताकार ही है, ठीक है, इसका ज्यामितीय आकार, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे आप तो ये वाला हिस्सा बुंदेलखंड इसके पास आता है, ठीक है, जिसमें भिंड का एरिया है, दतिया का एरिया है। तो चलो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक, ये वाला आपका हिस्सा, इसको बोलते हैं श्योपुर, ठीक है, जिला है श्योपुर, यहाँ तो मुरैना है, बड़ा फेमस एरिया है मुरैना, अलग अलग नामों से जाने, कई चीजों से फेमस है मुरैना, मुरैना का गजक भी आता है, है ना, हाँ मुरैना का गजक भी आता है, मुरैना में बागी भी होते हैं, है ना, तो यहाँ पे चंबल में जो आपकी चंबल नदी है उसका भियड़ भी है, मुरैना, भिंड, ये सब यूपी से सटा हुआ एरिया है, ठीक है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ग्वालियर है यहाँ पे दतिया है, ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, यहाँ पे शिवपुरी है, शिवपुरी ये कभी नया बना हुआ है, नया जिला ही है अभी, ज्यादा टीकमगढ़ से हटा के बना गया, निवाड़ी सबसे नया जिला यही है, निवाड़ी, निवाड़ी, टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीमा, ठीक है, रीमा के बाद यहाँ पे सीधी है, सीधी के बाद सिंगरौली है, ठीक। तो ये आपके यहाँ पे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीमा, सीधी, सिंगरौली,
ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभी इसी को हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर सेंट्रल के भी सारे देख लेंगे। ये आपका मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, ये वाला उत्तरी मध्य प्रदेश है, ये आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश है और ये मध्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, बीच वाला इलाका है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में देखें आप तो जिलों के जिले कौन कौन से हैं, कटनी, कटनी यहाँ पे चूना पत्थर बहुत मिलता है ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, मंडला, मांडला, जबलपुर, सिवानी, बालाघाट, ठीक है। यहाँ पे अभी इन सबके फीचर्स स्पेशली इनमें क्या क्या फेमस है तो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, छतरपुर, ये हमने देख लिया। सागर, सागर एमपी का केंद्र बिंदु है, सागर को एमपी का सेंटर पॉइंट यही है, यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा। ऐसे ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी एमपी में अवस्थित है, यदि पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन को बोला जाता है, उज्जैन को कहा जाता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ना, तो उज्जैन भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है सागर, यहाँ पे विदिशा, ठीक है, ये कर्क रेखा है, देख रहे हैं कर्क रेखा जो है बिल्कुल मध्य से होकर जाती है मध्य प्रदेश के, जैसे भारत के मध्य से होकर जाती है, तो चर्चा भी करेंगे इसको, देखेंगे कौन कौन से जिले हैं जो इनसे कर्क रेखा होकर जाती है। विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, सीहोर, यहाँ पे भोपाल है, यहाँ की राजधानी सेंटर है, ठीक है। विदिशा में सांची का स्तूप है ना, आपने देखा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूएन ने इसको घोषित किया है, तो विदिशा में बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सांची का स्तूप। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खांडवा, बुरहानपुर, सीहोर, यहाँ पे राजगढ़ है, गुना है, अशोकनगर है ना, यहाँ पे ये अभी ये भी नया ही बना है, साजापुर से अलग होकर के आगार मलवा करके एक बना हुआ है नया जिला। देवास, इंदौर, धार, बरवानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, ये आपके जो है ओवरऑल पूरे पूरे जितने भी आपके जिले हैं। अब इनमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसका अच्छांसी और देशांतरीय विस्तार। जैसे हमने इंडिया का देखा था ना, इंडिया का मैंने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री है ना, वैसे इसका भी अच्छांसी और देशांतरीय विस्तार है, मध्य में होने के कारण से। बिल्कुल यदि हम दक्षिणी बिंदु देखें तो बुरहानपुर जो आपका ये जिला है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी जिला है इसका, और बुरहानपुर में आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, सबसे दक्षिणी जिला भी है और 21 डिग्री 6 मिनट सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु है मध्य प्रदेश का, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके मध्य प्रदेश 26 डिग्री 30 मिनट तक विस्तृत है, अक्षांशीय विस्तार इसका 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के। यदि इसका देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार में यहाँ पर उत्तर में मुरैना, मुरैना इसका सबसे उत्तरी राज्य जिला है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे दक्षिणतम विस्तार इसका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जरूरी है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है, तो इसमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का नाम जरूर आएगा। इसके बाद आपका मुरैना देखा जाए तो मुरैना 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से है, सबसे उत्तरी है, और यहाँ पे आपका सबसे पश्चिमी जो आपका है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर अलीराजपुर है, यहाँ पे अलीराजपुर इसका सबसे पश्चिमी जिला है, और इसका सबसे पूर्वी जिला जो आपका है वो आपका सिंगरौली है, सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है 82 डिग्री 48 मिनट, तो 82 डिग्री से हमेशा हमें कुछ याद आता है, 82 डिग्री 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री भी एमपी से गुजरती है ना, 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री, भारत की मानक मध्यान रेखा, मानक समय रेखा, जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है प्लस है, तो ये आपकी मानक मध्यान रेखा भी एक ही जिले से होकर जाती है सिंगरौली से, तो सिंगरौली इसका सबसे पूर्वी जिला भी है और यही से मानक समय रेखा भी गुजरती है, ठीक है, अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, एक ही जिला है तो शायद ये प्रश्न पूछा गया कई बार, आगे भी बारंबारताएं बनती रहेगी, फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके चारों जो जिले हैं, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला मुरैना और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, ये याद रखिएगा, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक, यहाँ पर 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक जो है आपका अवस्थित है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, ठीक है।
चलिए, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के बिल्कुल मध्य से गुजरता है और 14 जिलों से होकर जाता है। ठीक, 14 जिलों से होकर जाता है मध्य प्रदेश के। देखिए भोपाल वैसे मध्य प्रदेश कर्क रेखा पे अवस्थित नहीं है, एग्जैक्टली अवस्थित नहीं है, लेकिन भोपाल से होकर कर्क रेखा जाती है। विदिशा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, भोपाल भी देखो नजदीक है, भोपाल से देखो ऊपर से ही होकर जा रही है। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे 14 जिले कौन से हैं। पहला ये पूछ लेता है पश्चिम से पूरा क्रम, तो मैं पश्चिम से पूरा भी बता रहा हूँ। सबसे पहले जिला रतलाम है, यहाँ पे रतलाम है, रतलाम के बाद उज्जैन है, रतलाम उज्जैन, उज्जैन के बाद यहाँ पे है अगारमलवा, यहाँ से भी होकर जाती है अगारमलवा, राजगढ़, राजगढ़ से होके भी जाती है भोपाल, इसके बाद आपका सीहोर, सीहोर का देखिए थोड़ा सा हिस्सा लगता है सीहोर, सीहोर के बाद भोपाल, भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद रायसेन, रायसेन ये भीमबेटका की गुफाएं, नाम सुना होगा, तो यही जिला है भीमबेटका, आदिमानव का प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपका नर्मदा नदी घाटी है, पूरा नर्मदा नदी घाटी है, इसी के आसपास ये पूरा हिस्सा था। आदमगढ़ का नाम सुना होगा, आदमगढ़ से ही प्राचीन बस्ती मिलती है, कृषि और पशुपालन के साथ सबसे पहले यहीं से मिले हैं कि मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ किया, वो कहां से मिले हैं, आदमगढ़ से, प्राचीनतम जो है पशुपालन के साथ आदमगढ़ से, और यहीं पे भीमबेटका की गुफाओं में मानव रहता था, ऐसे साक्ष्य हैं। और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रायसेन है, रायसेन के बाद सागर, ठीक है, सागर के बाद ये दामोह करके, दामोह से भी जाती है, इसके बाद जबलपुर से भी जाती है कर्क रेखा, कटनी ये भी कर्क रेखा है, उमरिया, उमरिया में भी है, यहाँ पे शहडोल, उमरिया बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा टाइगर घनत्व है, सबसे ज्यादा घनत्व जो टाइगर का है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ में ही है। ठीक है, तो बहुत ये भी फेमस है, अभी इसमें हवाई पट्टी का निर्माण चल रहा है, ठीक है, हवाई पट्टी इसमें बनाई जा रही है। उमरिया यहाँ पे शहडोल है ना, तो ये 14 जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, अगारमलवा, इसके बाद आपका राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, तो ये आपके जो है 14 के 14 जिले इसमें अवस्थित हैं, जो कर्क रेखा इनके ऊपर सोचा है। ये तो पता ही ना, कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाती है ना, पहला आपका गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर से होके नहीं जाती, मणिपुर कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। तो ये आपके 8 के 8 वो आपको याद होना चाहिए क्रमशः। ठीक, तो ये आपको ये 8 के 8 वो भी पता होना चाहिए, और एमपी पीसीएस वगैरह भी ये भी पूछता है, तो भी आपको जानकारी यूपी वालों को रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानक समय रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है, और यही वो जगह है जहाँ पे यदि कोई भी समय बसता है, दिन के 12 बजे सूर्य इसके ऊपर होता है, तो पूरी घड़ियों में 12 बजे माना जाता है। ऐसा आवश्यक नहीं कि हर जगह 12 ही बजे, यदि हम निकालने लग जाए तो टाइम अलग होगा, लेकिन इसको हमने एक मानक समय रेखा के रूप में मान रखा है, जब दिन के 12 बजे यहाँ सूर्य चमकता है तो भारत के सभी घड़ियों में 12 बजते हैं। ठीक है, हमने ऐसा बना रखा है। तो मानक समय रेखा आपकी यहाँ पे ये सिंगरौली से होके जाती है, एक ही 5 जिलों से होके जाती है। 5 जिले कौन कौन से हैं, पहला 5 राज्य, 5 राज्य, पहला आपका यूपी, यूपी के बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से होके जाती है, जिनमें से आपका सिंगरौली, एमपी के सिंगरौली से होके जाती है। यूपी में आपको पता ही है ना, नैनी है, वहां से बिल्कुल मध्य से होकर नैनी या मिर्जापुर के, हाँ मिर्जापुर आपका, और नैनी से, नैनी के पास से ही होकर जाती है। आप जाएंगे कभी वहां पे लिखा हुआ मुस्कुराइए, आप मानक समय रेखा में खड़े है ना, तो नैनी के पास से ही होकर जाती है, और कहीं कहीं भी मिर्जापुर में मिलता है, वो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके हो गए जितने भी जिले हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया कि कहाँ पे क्या है अवस्थित है, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कुछ भी तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहाँ। अब इन्हीं जिलों में कहीं पे जनजातियां हैं, कहीं पर बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, कहीं पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यही जिलों के नाम अभी हम लोग लेंगे आगे चल के कि कहाँ पे क्या क्या है। इन जिलों से बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक सब चुन के आते हैं, तो सब डीसी का खेल है, पॉलिटी का। आप जितना ज्यादा पॉलिटी समझ रखते हैं उतना इजीली आपको पूरा का पूरा ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा, पॉलिटिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपका यूपी की बॉर्डर साझा होती है, ये आपका यहाँ पे झांसी ललितपुर है, ललितपुर प्रवेश कर गया एमपी के अंदर 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 ही चला गया वो, ललितपुर है, यहाँ पे झांसी है ना, और यहीं पे आपका पूरा महोबा है, बांदा है, करबी है, चित्रकूट, ये पूरा इलाका है आपका, ये पूरा जुड़ता है यहाँ पे, और ये पूरा उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का, इस इलाके में देखें तो रॉबर्टसगंज है, सोनभद्र, तो ये यूपी के जुड़े हुए हिस्से हैं। यहाँ पे झालावाड़ की धरती, झालावाड़ राजस्थान, ये पृथक होता है इससे, यहाँ पे झालावाड़ है और यहाँ पे बांसवाड़ा है, ये राजस्थान से जुड़े हुए हैं, बांसवाड़ा इधर गुजरात में दाहोद है, ठीक है, इधर आपका ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे जलगांव है, ठीक है, बहुत सारे जिले लगे हुए हैं, मैं सबके नाम लिखना ये नहीं समझता कि जरूरी है। यहाँ पे गोंडिया करके ये सब महाराष्ट्र का इलाका है, पूरा का पूरा यहाँ तक महाराष्ट्र, इस जगह तक, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ चालू हो जाता है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, राजनांदगांव, करवाधी है ना, बैकुंठपुर, ये सब आपके जुड़ जाते हैं छत्तीसगढ़ से, तो ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का नीचे हिस्सा चला जाता है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एमपी के बारे में जानना समझते हैं, शुरू करते हैं एमपी के बारे में, जो एक सामान्य जानकारी सबके पास होनी चाहिए कि एमपी होता ना कि राष्ट्रीय गान क्या है, राजकीय गान क्या है, यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, राजकीय भाषा क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह क्या है ना, तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो 4 कैटेगरी बनाई गई थी, ए बी सी डी है ना, उन कैटेगरी में आपका एमपी था, लेकिन इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को ये बना, इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, बरार भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, पहले नागपुर इसकी राजधानी थी, 15 अगस्त 1947 को नागपुर राजधानी पे, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लीडर रहे जिनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ला, ये यहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी हैं पंडित रविशंकर शुक्ला, तो पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने यहाँ पे जो है तिरंगा फहराया था नागपुर में राजधानी में। अब इसके बहुत सारे अन्य नाम है, ठीक है, एमपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश की संज्ञा दी है, ये भी पूछा जाता है कि हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी है, पंडित नेहरू ने इसको हृदय प्रदेश कहा है। नदियों का मायका कहा जाता है, मायका का मतलब होता है कि नदियां यहाँ से निकलती हैं और चली जाती हैं कहीं और, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। मायके से क्या होता है ना, लड़की विदा होती है ना, तो नदियों का मायका, यहाँ पे देखिए अमरकंटक प्लेटू से सोन निकलती है, यहाँ से आप देखिए नर्मदा निकलती है, यहाँ से आपकी चंबल निकलती है महू इंदौर के पास से, यहाँ से आपकी ताप्ती निकलती है, मायके से कुछ याद आ रहा है क्या, ठीक है, यहाँ से यमुना निकलती है, क्योंकि जब भी मैडम आपकी मायके जाती हैं आप आ जाते हैं संस्था, ठीक है, तो ये आपका ये पूरा देख रहे हैं, यमुना में बहुत सारी मिलने वाली है, गंगा नदी तंत्र पूरा उसमें मिलने वाली बहुत सारी नदियां निकलती हैं, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, ये ठीक है, अभी मैं नदियां सारी आपको दिखाऊंगा, तो कई अपवाह तंत्र है यहाँ पे, गोदावरी अपवाह तंत्र भी यहाँ पे, कुछ गोदावरी की नदियां पेंच, बेन गंगा, ये सब चीजें जो है ये देखेंगे, तो ये नदियों का मायका भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम, ठीक है। इसके अलावा इसको कोहनूर प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ पे हीरा पाया जाता है पन्ना वाले क्षेत्र में, विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा देखिए, ये विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे भवन निर्माण सामग्री भी मिलती है, और इसके अलावा कुछ आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे आभूषण, रत्न पत्थर भी मिलते हैं, तो ये विंध्यन वाला क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो है आपका है कोहनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, भारत की सबसे ज्यादा जनजातियां, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति भील है ना, भील जनजाति यहाँ पे 37% से ज्यादा टोटल जनसंख्या जो भीलों की है एमपी में निवास करती है, और आपकी गोंड जनजाति एक बड़ी जनजाति ये भी है, गोंड जनजाति सबसे बड़ा जनजाति समूह है भारत का, भारत का देखे तो गोंड है, लेकिन एमपी में सर्वाधिक संख्या भीलों की है यदि देखा जाए तो, भील जनजाति यहाँ पर निवास करती है, जनजातीय प्रदेश कहते हैं, बहुत सारी है, बैगा है, कोरकू है, भरिया है, कोल है, ऐसे करके बहुत सारी उनकी उपजातियां भी यहाँ पर रहती है, तो जनजातीय प्रदेश, सोया प्रदेश, सोयाबीन बहुत होता है यहाँ पे, सबसे ज्यादा जो है आपका सोयाबीन यहाँ पाया जाता है एमपी में, सोयाबीन के, सोया प्रदेश के बाद आदिमानव की क्रीड़ा स्थली, आदिमानव यही पैदा हुआ, पहला मानव यही देखा गया, तो मानवीय साक्ष्य के आधार पे आदिमानव की क्रीड़ा स्थली कहते हैं, सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश भी कहते हैं इसको, तेंदू पत्ता वाला प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा टाइगर प्रदेश भी कहते हैं, सर्वाधिक बाघों वाला राज्य होने के कारण, तो इसके कई सारे नाम है, ठीक है, तो कभी पूछता है तो ये भी ध्यान में पता होना चाहिए। अब एक होता है पूर्व से पश्चिम विस्तार, कितना टोटल है ये पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है,
तो पूर्व से पश्चिम आपका 870 किलोमीटर है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 870 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। यदि आप एफबी की दूरी देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम तक कितना है, 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका कितना है 870, उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो कितना है आपका 605 किलोमीटर। तो ये भी पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के भी पता होना चाहिए। टोटल क्षेत्रफल इसका देखा जाए, टोटल क्षेत्रफल कितना है एमपी का, तो क्षेत्रफल इसका है 308,245 वर्ग किलोमीटर। वैसे इतना नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक एक हिस्से में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच अभी भी विवाद बना हुआ है। टोटल इसका देखा जाए तो 308,252 है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा में विवाद है, 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में ही विवाद है। तो 308,245 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के हिसाब से देखें तो भारत में दूसरा स्थान आता है इसका क्षेत्रफल के आधार पर। पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे टोटल भारत की भूमि का 9.38% हिस्सा इसके पास है, मध्य प्रदेश के पास। तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, और अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है ना, अमरकंटक में आपका एक एरिया है किरार घाटी, किरार घाटी में थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवाद है, इस कारण से ये इसका एग्जैक्ट है 308,245। यदि इसका विवाद नहीं माना जाए तो इसका हो जाता है 308,252। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इस हिसाब से 245 वाला एग्जैक्ट है, और अविवाद ये पूरा और विवादित को भी जोड़ दिया जाए तो 252 हो जाता है, ठीक है। लास्ट का ध्यान रखना है, सीमावर्ती राज्यों की संख्या 5 है, ये मैंने आपको बताया है। ये अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की, आपको मैंने राजकीय चिन्ह प्रयास किया है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या बुरा है, है ना। तो इसमें राजकीय चिन्ह में सबसे पहली बात आप बाहर देख रहे होंगे, स्तूप है, बौद्ध स्तूप है दिखाए गए, 24 बौद्ध स्तूप है इसमें, ये पूरे बाहर जो है 24 बौद्ध स्तूप है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक गेहूं की बाली है, एक धान की बाली है, दो बालियां दी गई हैं, है ना, यहाँ पे गेहूं की है, यहाँ पे धान की बाली है, ठीक है, ये भी इसे राजकीय चिन्ह पे दिखाया गया है। अब अंदर देखेंगे बरगद का पेड़ है, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर अशोक स्तंभ है ना। तो ये आपका पूरा इसका एग्जैक्ट आप इसको समझे, यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन और यहाँ पे सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर से एक बार इसे देखते हैं, 24 स्तूप है इसमें, ठीक, बरगद का पेड़ है अंदर, धान और गेहूं की बालियां हैं, और ये आपका जो है ठीक अशोक स्तंभ है इसमें, ठीक। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का जो है लोगो, वहां का राजकीय चिन्ह, ठीक है, राजकीय चिन्ह के रूप में है। राजकीय गान इसका क्या है, ठीक है, राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता की आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है रचनाकार इसके श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं, 2010 में इसको लिखा था। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है आपका एमपी का राजकीय गान है, ठीक है, राजकीय गान है, वैसे राष्ट्रगान हमारे देश का सबको पता है। राजकीय भाषा इसकी हिंदी ही है, ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय पुष्प सफेद लिली है, सफेद लिली को राजकीय पुष्प बनाया गया है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, ठीक है। राजकीय पक्षी आपका शाही बुलबुल है, शाही बुलबुल या इसको दूध राजा भी बोलते हैं, शाही बुलबुल या दूध राजा। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय मछली महासीर है, महासीर इसकी राजकीय मछली है। राजकीय खेल मलखंब है, 2013 में एक्सेप्ट किया गया था मलखंब को। राजकीय फसल सोयाबीन है। राजकीय फल आम है। और राजकीय नृत्य राई है, बुंदेलखंड के नृत्य को राई को इन्होंने राजकीय नृत्य के रूप में घोषित कर रखा है। राजकीय नाट्य जो है माचा है, मालवा क्षेत्र के राजकीय नदी जो है ये वहीं पर है, माचा नदी है राजकीय नदी, उसी के मालवा क्षेत्र की, मालवा क्षेत्र का ही ये नृत्य है माचा, तो उसी के नाम पे है। और राजकीय नदी नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा इसकी राजकीय नदी है। तो ये इसके कुछ जो है पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान जरूरी है। राजकीय गान मैंने आपको बताया, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश, हाँ
अभी एमपी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतना ज्यादा आप मत आइए। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इसका राजकीय ज्ञान है, महेश श्रीवास्तव जी ने लिखा है वर्ष 2010 में। राजकीय भाषा हिंदी है, राजकीय दिवस 1 नवंबर, राजकीय पुष्प सफेद लिली, राजकीय पशु भारत सिंह, यूपी चक्कम पचलो 29 राज्यों के पूछ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आप एमपी पढ़ रहे हो, एमपी पद से समझिए। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी दूध राजा शाही बुलबुल, राजकीय वृक्ष बरबत, राजकीय मछली महासी, राजकीय खेल मलखम्ब, राजकीय फसल सोयाबीन और राजकीय फल आम, ठीक है। राजकीय नृत्य राई है बुंदेलखंड का, और राजकीय नाट्य आपका माशा है, राजकीय नदी नर्मदा है, ठीक है। प्रशासनिक संरचना के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, प्रशासनिक संरचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता। सबसे पहली बात, जैसे मंडलों में विभाजित किया गया है कई राज्यों को, है ना, वैसे इसको संभागों में विभाजित किया गया है। चंबल संभाग अलग है ना, तो अलग अलग संभाग है इसके, तो 10 संभागों में मध्य प्रदेश को बांटते हैं, 10 संभाग है इसमें, ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। 10 संभाग है और इसमें 52 जिले हैं। लेटेस्ट जिला आपका निवाड़ी है, ये निवाड़ी यहाँ पर है, टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है, और 53वां जिला अभी प्रस्तावित है, 53वां जिला नागदा बनेगा, हाँ नहीं वह संभाग के रूप में, ठीक है। यहाँ पे 53वां जिला, वहां मत बोलिए, सब भारत का है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको, नागदा, ठीक है, नागदा आपका लेटेस्ट अभी बनेगा, जब प्रस्तावित अभी कुछ पता नहीं है। राज्यसभा में इसकी 11 सीटें एमपी के पास, राज्यसभा की 11, और लोकसभा की कितनी है भाई, 29 सीटें लोकसभा की है, 11 सीटें आपकी राज्यसभा की, लोकसभा की 29 सीटें हैं, ठीक। अब देखो लोकसभा में मैंने आपको बताए थे अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें जो आपकी आरक्षित की जाती हैं उनके लिए प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें जो है, ये आपका 6 सीटों को आरक्षित किया गया लोकसभा में एसटी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 6 सीटें हैं, ठीक है। ये आपका किस अनुच्छेद के तहत आएगा, 330, अनुच्छेद 330। अनुसूचित जाति के लिए एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, 4 सीटें, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए, सीटें भी पता होना चाहिए, एसटी के लिए 6 सीटें और एससी के लिए 4 सीटें जो है ये आपकी रिजर्व रखी गई है, ठीक। इसके बाद विधानसभा में, विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या 330+1 है, 330+1 टोटल 331 है, एक क्या है अनुच्छेद 300, हाँ माफ करिएगा 230, माफ करिएगा 230, 230+1 है, ठीक है। 230+1 में आपका एक आपका एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि है अनुच्छेद 333, ठीक है, अनुच्छेद 333 के तहत। तो 231 है, 300 मुझे बार बार याद आ रहा है, 200 समझिएगा इसका मतलब, 231 सीटें है, 231 सीटें जिसमें 330 निर्वाचित किया जाता है, एक मनोनीत किया जाता है, ठीक। और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, लोकसभा में अलग आरक्षण है, 6 सीटें अनुसूचित जनजाति का, और अनुसूचित जनजाति का राज्य विधानसभा के लिए आरक्षण कितना सीटों का है, 47 सीटों का, 47 सीटें इसकी आरक्षित कर दी गई अनुच्छेद 332 के तहत। विधानसभा के लिए आर्टिकल 332, लोकसभा के लिए आर्टिकल 330, अलग अलग ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा के क्षेत्र हैं 35, ठीक है, तो एससी के लिए 35 है, एसटी के लिए 47 है, एसटी की सीटें ज्यादा है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है, तो एसटी की सीटें लोकसभा में 6 और एससी की सीटें 4, और यहाँ पर एससी के लिए 47 विधानसभा में और आपका यहाँ पे 35, ये ध्यान रखना। प्रथम महिला राज्यपाल, हमेशा ये सब चीजें पूछी जाती है, है ना, सरला ग्रेवाल करके ये नाम है इनका, सरला ग्रेवाल पहली महिला राज्यपाल बनी, महिला राज्यपाल है, पहली राज्यपाल नहीं है, पहली राज्यपाल है यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया साहब, ठीक है, गांधी जी के जो, हाँ, तो पट्टाभी सीतारमैया जो है पहले गवर्नर रहे राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के, और राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला, ये आपके पहले जो है यहाँ के थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम आप जानते ही है ना, उमा भारती, है ना, उमा भारती जी। और सबसे ज्यादा बार सीएम 2 लोग बने हैं, पहले तो आपके लेटेस्ट जो शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और एक थे श्यामा चरण शुक्ला, तो ये 2 सीएम इसमें 3 बार बने, सर्वाधिक बार 3 बार मैक्सिमम है, शिवराज सिंह चौहान अभी लेटेस्ट में ही रहे हैं ये, और श्यामा चरण शुक्ला, ठीक है। तो ये आपके जो है मोटा मोटी
जो पहला ये पहले से पूछता है, ये वर्तमान में देखें तो यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब है, है ना, महामहिम लालजी टंडन है, मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ है, विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति है, ठीक है, नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल है वहां पे, मुख्य सचिव श्री सुधीर रंजन मोहंती है, सुधीर रंजन मोहंती है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है बसंत प्रताप सिंह। तो कुछ जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्चुअल डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल श्री लालजी टंडन, मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल, मुख्य सचिव श्री सुधीर रंजन मोहंती और राज्य निर्वाचन आयोग में बसंत प्रताप सिंह, ठीक है। तो ये आपके मोटा मोटी जो यहाँ का प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं मंत्रिमंडल नहीं पढ़ाऊंगा कि एमपी का क्या है, वो आपका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एमपी के ज्योग्राफी के बारे में। एक बार जो है एमपी के हम ज्योग्राफी देख लेते हैं, एमपी की ज्योग्राफी कैसी है। एमपी को जलवायु प्रदेशों के आधार पे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन चार भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा आपका ये ऊपर का हिस्सा है, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान का हिस्सा है, जो मैदान उत्तर भारत का गंगा यमुना के द्वारा बनाया जाता है उसी का हिस्सा है पूरा, और बहुत सारी नदियां भी इस मैदान पे बहती हैं, गंगा नदी तंत्र के द्वारा बनाया गया मैदान है ये। तो यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु है, और महाद्वीपीय जलवायु वो होती है जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक ठंडी पड़ती है। जैसे हम लोग दिल्ली गाजियाबाद में रह रहे हैं, यहाँ भी महाद्वीपीय जलवायु, यहाँ पर भी अधिक गर्मी और अधिक ठंडी आप देख रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे का हिस्सा पठारीय है, जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश से यदि आप यात्रा करना शुरू करें, है ना, यहाँ से आप बांदा वगैरह से, ये है ना आपका बांदा, महोबा, करबी, झांसी, यहाँ से आप प्रवेश करें तो आप पाएंगे कि पूरा ढाल है, घाटियों में ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, मैहर वगैरह जाए आप कभी तो आप पाएंगे कि ये पठारी हिस्सा है, जिसके कारण से ऊंचा उच्च के कारण से जलवायु का जल धरातल से ऊंचा है ना, जिसके कारण से यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, और सम जलवायु वो जलवायु होती है जहाँ जहाँ ना तो अधिक गर्मी होती ना ना तो अधिक ठंडी होती है। तो सम जलवायु का क्षेत्र आपका ये है। इसके बाद नर्मदा घाटी का, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है, उमस बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठंडी के टाइम में भी गर्मी पड़ती है, सामान्य ठंड होती है, सामान्य ठंड भी नहीं पड़ती है ना, ज्यादातर जो है तो यहाँ पे ठंड बहुत नॉर्मल होती है, गर्मी ज्यादा होती है नर्मदा घाटी क्षेत्र में। और चौथा जो आपका हिस्सा है वो है बिंधन, बिंधन पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये सम जलवायु का क्षेत्र है, ना तो अधिक गर्मी ना तो अधिक ठंड, ठीक है, उच्चा उच्च के कारण से पूरा का पूरा चार चार संभागों में जलवायु प्रदेश को बांट सकते हैं, उत्तर भारत का मैदान, मालवा का पठारीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र और बिंधन का पहाड़ी क्षेत्र, ये चार भागों में आप बांट करके पूरा देख सकते हैं। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित है, सतपुड़ा प्रदेश भी इसी का हिस्सा है, ठीक। तो यहाँ पे आपके ये संभाग है। अभी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत है, ठीक है, पर्वतमालाएं हैं। अभी क्वेश्चन भी आया था आपके, अब देखो इनसे तो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में आते हैं जो भी आप देंगे, तो ये नदियां और पहाड़ों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, छोटी छोटी भी है और विस्तृत भी है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी यहाँ पे विंध्याचल भी अवस्थित है, विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, काफी विस्तृत है और एमपी में विस्तार है, इसका पूरा विस्तार एमपी में ही है। इसके बाद यहाँ पर विंध्याचल के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा के बाद महादेव पहाड़िया है, इसी का ही हिस्सा ही है वो, इसी का विस्तार है महादेव पहाड़िया, ठीक है। और इसी पे एक सबसे ऊंचा शिखर है धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी है और 1350 मीटर ऊंची है ये चोटी, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ चोटी, ये महादेव पहाड़ियों में अवस्थित है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल, तो ये तीन पर्वत श्रेणी क्रम से सजाने के लिए पूछ लेता है कभी कभी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, ठीक है। यहाँ पे कैमूर पहाड़ियां हैं, कैमूर पहाड़ियां हैं, ये बिहार में भी प्रवेश कर जाती हैं, बिहार में भी कैमूर रीजन है। और इसके बाद यहाँ पे भांडेर पर्वत श्रेणी है, ये है आपका भांडेर पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रमुख जो है, पहला तो विंध्याचल सबसे प्रमुख है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल के बाद जो है ये पूरा धार रीजन और ये रायसेन तक पूरी विस्तृत है। और यहाँ पे आपका सतपुड़ा है, फिर महादेव है, महादेव के बाद मैकाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश है, रिफ्ट है ना, एक फॉल्ट हुआ और उस फॉल्ट के परिणाम स्वरूप यहाँ पे भ्रंश हुआ,
तो यहाँ पे ही नर्मदा नदी तंत्र है, पूरा का पूरा नर्मदा नदी यहीं पे बहती है। ठीक है, इसके बाद कुछ पठार है, कुछ पठार भी देख लेते हैं। एमपी में वो पूरा का पूरा वैसे दक्कन के पठारी क्षेत्र का हिस्सा है, जो आपका दक्कन का पठार है ना उसी का हिस्सा है। इसमें मालवा का पठार सबसे विस्तृत पठार अवस्थित है, ये मालवा का पठारी क्षेत्र है ना आपका, तो यहाँ पे मालवा का पठार है सबसे, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल यही है मालवा का पठार उच्चावच में। ठीक है, पठार तो समझते हैं ना, पठार एक ऐसी उच्चावच स्थिति होती है जो कि धरातल से ऊपर उठी हुई और ऊपर से समतल होती है। ठीक है, तो धरातल से ये ऊपर उठी हुई और ऊपर से समतल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मालवा का पठार रीजन है, काफी बड़ा हिस्सा है, मध्य प्रदेश के सेंटर वाले हिस्से में मान सकते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र है ये, यहाँ पे मिट्टी काली मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, कुछ लाल और लेटराइट मिट्टी आपको मिल जाएगी लेकिन काली मिट्टी सर्वाधिक है एमपी में। तो मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद यहाँ पे मध्य भारत का पठार है। ठीक है, यहाँ पे आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये आपका बुंदेलखंड का ये पूरा हिस्सा है, तो बुंदेलखंड का पठार इसमें है। इसके बाद यहीं पे आपका जो है बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड हिस्सा ये है पूरा, जो आपका पूर्वी वाला हिस्सा है ना, पूर्वी जो मध्य प्रदेश है बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड अलग है, मध्य पठार अलग है, मालवा का पठार अलग है और ये आपका अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, नीचे जाएंगे, नीचे ये वाला बैतूल का पठार, बैतूल का पठार यहाँ पे बैतूल पठार है। तो ये कुछ प्रमुख पठार है यहाँ पे। ठीक, पहला है आपका बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और बैतूल का पठार, बैतूल वाला हिस्सा है, अभी इस पे चर्चा करेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम क्षेत्र वाला हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में आता है, सतपुड़ा रीजन घाटी में बैतूल का पठार क्षेत्र आता है। अब यहाँ से, यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों से, यहाँ के पठारी क्षेत्रों से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। ये हिमालयी नदी तंत्र में भी हिस्सा रखती है बहुत सारी नदियां, जैसे गंगा नदी तंत्र जो अफवाह है पूरा का पूरा, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां बहुत सारी नदियां हैं, एक दो नदी नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में नदियां हैं जो कि गंगा में जाकर के मिलती हैं, तो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा भी है। तो पहला है इसका गंगा यमुना का अफवाह तंत्र, ये भी आपका पहली कैटेगरी इसको बना देते हैं, कुछ कैटेगरी बात करते हैं गंगा यमुना का अफवाह तंत्र। दूसरे नंबर का अफवाह तंत्र आपका नर्मदा अफवाह तंत्र है, बड़ा अफवाह तंत्र है। अफवाह तंत्र में मतलब एक नदी नहीं होती है, नदियों का जाल होता है, कई नदियों को लेकर एक मुख्य नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा अफवाह तंत्र इसका दूसरा प्रमुख अफवाह तंत्र है। ठीक है, तीसरे की बात करें तो गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी में मिलने वाली बहुत सारी नदियां वो भी आपकी कहां से निकलती हैं, एमपी से निकलती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे देखें तो तापी, तापी नदी भी आपकी यहीं से निकलती है। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा पहाड़ियों के पास से, तो तापी नदी जो है आपका ये तापी अपवाह तंत्र है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा तापी अपवाह तंत्र के बाद जो है आपका माही अपवाह तंत्र, माही नदी भी यहाँ पे बहती है। ठीक है, इन नदियों में बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है, बहुत सारी बहुत देसी परियोजनाएं चल रही है, तो उन्हें भी मैं बताने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप नदियों को देखिए क्रमशः। ठीक है, सबसे पहले गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है ना, उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा निकलती है और भागीरथी निकलती है, दोनों का क्या होता है, संगम होता है देवप्रयाग में, और वहां से गंगा निकल के आपकी मैदानों में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते होते। तो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी यमुना है। ठीक है, तो यमुना में मिलने वाली बहुत सारी नदियां, यमुना में मिलने वाली बहुत सारी, यमुना की बहुत सारी सहायक नदी, यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल है। ठीक है, चंबल इटावा के पास मिलती है, तो चंबल निकलती है महू इंदौर से, महू इंदौर से निकलती है और 1040 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये यमुना में मिल जाती है। ये प्रमुख नदी आपकी चंबल है। अब ये आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए और राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो चंबल एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी, किसकी, यमुना की। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की पहली नदी। अब चंबल में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, चंबल में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, मुलाकात करते हैं, जैसे काली सिंध चंबल की नदी है, पार्वती नदी चंबल की नदी है, सिंध चंबल में, ये सिंध अलग इंडिपेंडेंट है, दो नदियां हैं, पहली आपकी काली नदी और ये पार्वती, एक नदी और इधर से आगे मिलती है राजस्थान से बनास, बनास भी चंबल की सहायक नदी है। तो काली नदी और पार्वती नदी ये दोनों जो है, काली नदी आपकी ये मालवा का पठारी रीजन है, देखिए मालवा का पठारी रीजन है, और ये जो है आपकी कुमरा गांव, एक रायसेन के पास कुमरा गांव है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ से ये काली नदी और ये पार्वती नदी, ये दोनों जाकर के यमुना चंबल में मिल जाती हैं। फिर दूसरी प्रमुख नदी है आपकी ये सिंध नदी, सिंध नदी आपकी, सिंध नदी ये आपकी ये भी निकलती है और जाकर के ये भी मिल जाती है यमुना में। सिंध यमुना में मिलने वाली डायरेक्ट नदी है, चंबल में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है। चंबल, फिर इसके बाद सिंध, फिर बेतवा, फिर के, ये एक क्रम बना हुआ है, ठीक है। कुमरागांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी ये आपका प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश, और ये आपका यहाँ से यहाँ पे ये आपका मिल जाती है बुंदेलखंड के पास, ठीक है। बुंदेलखंड में ही मिलती है यमुना नदी में, तो बेतवा हमीरपुर के पास है, बेतवा मिलती है मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी है यहाँ पे केन नदी। केन नदी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, एक सोनार नदी है, एक बेधर्मा नदी है। दो नदियों का आपस में जुड़ाव है, सोनार और बेधर्मा, यही आगे जाकर केन हो जाती हैं, और ये भी जो है आपकी यमुना में मिल जाती है। ये आपकी यमुना में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, चंबल, चंबल के बाद सिंध, सिंध के बाद आपकी बेतवा, बेतवा के बाद आपकी के, ये आपकी चार प्रमुख नदियां हैं। और चंबल में काली सिंध और पार्वती चंबल की साइड नदियां हैं। तो नदियां आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी नदियां ही पूछता है ज्यादातर पे, इसलिए आपको इनसे प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे टोंस नदी एक निकलती है, ठीक है, टोंस नदी आपकी, और टोंस नदी ये भी आपकी सीधा जाकर के गंगा मिलती है, इलाहाबाद के पास ही संगम जहाँ पे गंगा यमुना का, उसके जस्ट आगे टोंस नदी भी आपकी प्रवेश कर जाती है। तो ये कैमूर पहाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ से ही निकलती है आपकी टोंस नदी। और एक आपकी नदी है सोन नदी, सोन नदी आपकी है अमरकंटक, अमरकंटक के अनूपपुर जिले, अनूपपुर जिले में है अमरकंटक, तो वहीं से निकलती है ये, और ये भी गंगा में जाती है पटना के पास, ठीक। तो सोन का उद्गम भी आपका मध्य प्रदेश है, तो जितना पानी है सब ले जाकर के दूसरे प्रदेशों को देती है, बहुत सारी नदियों का उद्गम क्षेत्र रहती है, ठीक है। तो पहला नदी तंत्र आपका गंगा नदी तंत्र है। यमुना में मिलने वाली सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, के, ठीक। इसके बाद टोंस और सोन दो ये गंगा में जो नदियां, तो ये गंगा अपवाह तंत्र का पहली बात हुई। दूसरा चलते हैं आपका नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य नदी नर्मदा है, और नर्मदा में मिलने वाली कुछ सहायक नदियां, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, मुख्य नदी आपकी नर्मदा ही है। नर्मदा अमरकंटक के पास से निकलती है, अमरकंटक ये भी अमीर अनूपपुर वाला ही है, यहीं से सोन निकलती है, यहीं से नर्मदा निकलती है। अब नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा भी है, इसको रेवा भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम रेवा भी है। अब इसमें एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है बरगी नदी, यहाँ पे एक छोटी सी है इसकी सहायक नदी, बरगी परियोजना इससे चल रही है। तवा नदी, तवा इसकी सहायक नदी है, नर्मदा की तवा है। और दो और यहाँ पे नदियां हैं जो कि इसमें मिलती हैं, पहली आपकी मान नदी और दूसरी हथनी नदी, एमपी में ही ये निकलने वाली, और नर्मदा की सहायक नदियों में एक बरगी नदी है, बरगी परियोजना, मान नदी पे मान परियोजना, हथनी नदी पे जोवट परियोजना, बड़ी परियोजना जोवट परियोजना, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी इसे बोलते हैं जोवट परियोजना को। तो बहुत सारी इसमें नदी घाटी परियोजनाएं भी चल रही है। तो दूसरी प्रमुख नदी आपकी नर्मदा है, नर्मदा आपकी 1312 किलोमीटर लंबी नदी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, अभी एक एक परियोजना बाद में देखेंगे। इसके बाद आपका तापी नदी है, तापी नदी आपका जो बैतूल का पठार वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा रीजन, ठीक है, यहीं से ये निकलती है और ये प्रवेश करती है आपकी बाद में ये प्रवेश कर जाती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर गुजरात उधर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो तापी नदी है 724 किलोमीटर की, ठीक। इसके बाद तापी के बाद दूसरा है माही नदी, यहाँ पे एक नदी है धार रीजन से निकलती है, धार प्रदेश से। माही नदी के बारे में आपको जानते होंगे, कर्क रेखा को दो बार काटती है ना, तो माही नदी ये आपकी और फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी यहीं से निकलती है, एमपी से ही माही भी निकलती है। इसके बाद आपका गंगा नदी तंत्र हो गया, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, हाँ गोदावरी का, गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ से वर्धा नदी भी निकलती है, वर्धा नदी भी एमपी से निकलती है, पेंच नदी भी एमपी से निकलती है, वेन गंगा भी एमपी से निकलती है। देखो ये गोदावरी की सहायक नदियां, ये भी एमपी की नदियां हैं, ठीक है।
अब चलिए इनमें कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये जब यहां से निकलती है ना, पहली बात तो नर्मदा बहुत सारे प्रपात बनाती है, जल प्रपात बनाती है थोड़े दूर में, जैसे ही पहुंचती है 8 किलोमीटर दूर जाती है, एक प्रपात बना देती है। फिर इसके बाद 10 हर थोड़े थोड़े दूर में इसमें बहुत सारे जल प्रपात हैं, हम चर्चा करेंगे। नर्मदा नदी में कपिल धारा है, दुग्ध धारा है। सबसे पहले जैसे ही नर्मदा निकलती है अमरकंटक से 8 किलोमीटर बाद कपिल धारा जल प्रपात मिलेगा, उसके 20 किलोमीटर बाद आपको दुग्ध धारा मिलेगा, फिर आपको जबलपुर में धुआंधार जल प्रपात है ना। तो बहुत सारे ये प्रपात भी बनाते हैं क्योंकि पठारी संरचना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। पहली परियोजना है यहाँ पे बरगी नदी है, बरगी नदी पे है बरगी परियोजना, ठीक है। बरगी नदी पे एक परियोजना है, बरगी परियोजना, ठीक है। ये बहुत प्रमुख परियोजना है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी नर्मदा में कुछ प्रमुख परियोजनाओं में से पहली परियोजना है, एक तो तावा नदी पे चल रही तावा परियोजना, ठीक है। चूंकि ये तावा नदी पे है लेकिन सहायक नदी है इसकी। यहाँ पे इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा सागर, माफ करिएगा, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे चल रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरी ओंकारेश्वर परियोजना, ठीक है, दूसरी परियोजना आपकी ओंकारेश्वर परियोजना। इसके बाद महेश्वर परियोजना, नर्मदा नदी पे तीन प्रमुख परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना, ये तीनों याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे मान नदी पे है मान परियोजना और हथनी नदी पे है जोवेट परियोजना, ठीक है। तो ये जो है आपकी प्रमुख कुछ परियोजनाएं हैं जो कि पूछी जाती है नर्मदा नदी से जुड़ी हुई। पहले इंदिरा सागर है, महेश्वर है और आपके ओंकारेश्वर है, मान परियोजना है, जोवट परियोजना है, बरगी परियोजना है, ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं आपकी इससे जुड़ती हैं एमपी से, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पर एक सोन नदी पे परियोजना है, सोन नदी पे है आपकी बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी की परियोजना है, पता होना चाहिए, बाण सागर परियोजना सोन नदी की परियोजना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये बेतवा नदी, बेतवा नदी में आपको पता होगा माता टीला परियोजना जो चल रही है, बेतवा नदी पे ही अवस्थित है माता टीला। इसके बाद ये चंबल नदी पे कई परियोजना है, चंबल नदी में वैसे एक परियोजना गांधी सागर आपकी अवस्थित है एमपी में, बाकी की राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, वहां पर है। तो गांधी सागर परियोजना आपकी एमपी की है, बाकी राणा प्रताप और जवाहर सागर ये दोनों राजस्थान में परियोजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, माही नदी पे माही परियोजना चल रही है ना, नदियों के नाम पे ये पर्टिकुलर। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख जितनी परियोजनाएं कुछ इतनी ही थी, है नहीं बाकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गई प्रमुख परियोजनाएं और इसके जलप्रपात देख लेते हैं। कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं यहाँ पे नर्मदा में, सबसे पहले यहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पे, ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात। फिर इसके बाद दुग्धधारा जलप्रपात, फिर आपका धुआंधार जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, इसके बाद आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा नर्मदा नदी की परियोजनाओं में, ठीक है। ये आपके जो है महेश्वर वाले हिस्से में सहस्त्रधारा है। भालकुंडा जलप्रपात ये बीना और बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। भालकुंडा जलप्रपात ये बेतवा की सहायक नदी, यहाँ पे बेतवा नदी, ठीक है, इसी की सहायक नदी है बीना, बीना में ही बना हुआ है आपका, आपका बीना नदी पे ही है आपका भीरकुंडा जलप्रपात। चचाई जलप्रपात ये आपकी बीहड़ नदी है, सिरमौर तहसील रीवा के पास है, यहाँ पे रीवा की एक स्थानीय नदी है जहाँ पे आपकी चचाई जलप्रपात है। मंदार और जलरी ददरी जलप्रपात ये नर्मदा में है, ओंकारेश्वर के पास है। इसके बाद स्नेह जलप्रपात एक केन नदी छतरपुर, यहाँ पे केन नदी है, केन नदी छतरपुर के पास स्नेह जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात ये भी केन नदी पन्ना वाले हिस्से में है। तो ये कुल कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि इन नदियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्वत श्रेणियां देख ली, प्रमुख पठारों को देख लिया और प्रमुख नदियों को देख लिया, ठीक है। इतनी चीजों की हमारी डिस्कस लगभग लगभग मोटा मोटी हो गई है यहाँ पे। चलिए एक बार एमपी की जनगणना के पास चलते हैं, एमपी का पूरा डेमोक्रेटिक, ठीक है, क्या यहाँ पे जनसांख्यिकी है, क्या जननांकी है, एक बार इस पे भी डिस्कस करते हैं। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एमपी वाले क्षेत्र में। देखो एमपी का जो एग्जाम मैंने देखे ना, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। वहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज्यादा अभी इतना अपग्रेडेड नहीं हुआ है जो भी एग्जाम है। तो ओवरऑल यहाँ से इस वाले हिस्से से क्वेश्चन लगातार वहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले जनगणना 2011 के आंकड़ों को यहाँ पर मैं लूंगा, इन्हीं के आधार पर हमारी डिस्कशन होगी।
एमपी की कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या एमपी की है 7,26,26,809 लोग, लास्ट में 809 है, 7,26,26,809 है एमपी की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का 6% है, एमपी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। यहाँ पे पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या जो है 51.7% है, यानी 3,76,12,306 जो जनसंख्या है आपकी, ठीक है, एमपी की पुरुष जनसंख्या है। एमपी की महिला जनसंख्या की बात करें तो 3,50,14,503, यानी कि लिंगानुपात नकारात्मक ही है यहाँ पे, 48.3% महिला जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो एमपी में 27.6% लोग नगर में निवास करते हैं, यानी कि 2,69,405 लोग जो है नगरीय जनसंख्या के रूप में है। और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, 72.4% गाँव है यहाँ पे, और इनमें गाँव में निवास करने वाले लोग 5,25,57,404 है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से इसका 6वां स्थान है, भारत की जनसंख्या का 6% है और जनसंख्या के हिसाब से 6वां स्थान है एमपी का, ठीक है। इसके बाद 18 देशों की जनसंख्या जो है, एमपी की जनसंख्या 18 देशों की जनसंख्या से अधिक है, ये मोटा मोटा एक बार प्रश्न पूछा गया है। इसकी वृद्धि दर देखें, जनदशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या किस तेजी से एमपी की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो ये 2001 और 2011 के मध्य 20.3% के रेशियो से जनसंख्या बढ़ रही है। एमपी में एससी कैटेगरी के लोग, यानी कि अनुसूचित जाति के लोग जो है, ये 15.6% है टोटल जनसंख्या का, और एसटी कैटेगरी है 21.6%। तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां ज्यादा है, है ना, अनुसूचित जाति से भी अनुसूचित जनजाति ज्यादा है, इसलिए देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में इनका ज्यादा रोल है, ज्यादा रोल इनका दिया गया है, ठीक है। तो एमपी में आपका जो है एससी कैटेगरी 15.6, एसटी कैटेगरी 21.6। एमपी की अधिकतम जनसंख्या इंदौर में रहती है, एमपी की न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी में रहती है। अधिकतम जनसंख्या इंदौर में, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी में, ठीक है। इंदौर आपका ये सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है, यहाँ पे अवस्थित है, ये है इंदौर, ठीक है, उज्जैन, इंदौर, धार, ये सब आस पास है, ठीक है। तो इंदौर ये है, भोपाल बहुत दूर है, ठीक है, भोपाल यहाँ पे, इंदौर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे एमपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, इंदौर में सर्वाधिक जनसंख्या, और न्यूनतम जनसंख्या सबसे ज्यादा, न्यूनतम जनसंख्या निवाड़ी में है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि भी इंदौर में है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि अनूपपुर में है, ठीक है, अनूपपुर ये रहा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिंगानुपात, एमपी का लिंगानुपात नकारात्मक है, 931, 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। भारत का कितना है, भारत का लिंगानुपात 943, कोई उम्मीद न की जाए, ठीक है। लिंगानुपात भारत का है 943, ठीक है, और ये इसका एमपी का है 931। शिशु लिंगानुपात है यहाँ पे 918, ठीक है, शिशु लिंगानुपात 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात 1021 महिला है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। न्यूनतम लिंगानुपात भिंड में है, भिंड वाला क्षेत्र, ये पुरुष बहुल क्षेत्र, पुरुष है तभी तो इतना बवाल काटे रहते हैं, 837 पुरुष महिलाएं सिर्फ 1000 पुरुषों में। साक्षरता दर पढ़ा लिखा राज्य है, 69.3% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन स्थान 21वां है, कम पढ़ा लिखा, ठीक है, 21वें नंबर पे आता साक्षरता के हिसाब से, 69.3% की साक्षरता है यहाँ पे। पुरुष साक्षरता ज्यादा है, 78.7% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और महिला साक्षरता 59.2, ठीक। नेक्स्ट अधिकतम साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता आपकी जबलपुर में है, 81.1% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम साक्षरता अलीराजपुर में, अलीराज में 36.1, ठीक है, यहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे कितनी है, 236, जनसंख्या घनत्व तो 236 है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो भोपाल में, राजधानी में सबसे ज्यादा लोग वहीं जाकर पहुंच गए। न्यूनतम डिंडौरी में, ठीक है, डिंडौरी कहाँ पे पड़ता है आपका, डिंडौरी का हिस्सा मैंने अभी आपको बताया था ना, डिंडौरी यही पे आपका छतरपुर, यही पे था डिंडौरी, कहाँ गया,
चलिए अभी देख लेंगे यहाँ पे, मैप में अभी था कहीं पे, चलो अभी देखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की। हाँ छत्तीसगढ़ के ये, हाँ ये आइडिया, ठीक है। यहाँ पे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ डिंडौरी न्यूनतम, अब डिंडौरी तो नहीं बोलेगा। तो नेक्स्ट अगला है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला आपका इंदौर है, सबसे ज्यादा यहाँ बड़ी है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अनूपपुर, ठीक। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला छिंदवाड़ा है, ये है छिंदवाड़ा आपका, ठीक है। यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी कहते हैं, पेंच आपका छिंदवाड़ा में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल यहाँ पे आपका छिंदवाड़ा में है, न्यूनतम क्षेत्रफल निवाड़ी में है, निवाड़ी है सबसे कम क्षेत्रफल, ये नया नया बना है तो भी ज्यादा नहीं है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर चार ही हैं, चार नगरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, इंदौर भोपाल जबलपुर और ग्वालियर, ठीक है। इन चारों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 33 है, 33 नगर ऐसे हैं जहां पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। अनुसूचित जाति जनसंख्या टोटल SC कितने हैं यहाँ पे, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने हैं, 1,13,42,320, 1,13,42,320 अनुसूचित जाति के हिसाब से इसका सातवां स्थान है, ठीक है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 लोग, ये जरूरी डाटा यहाँ पता होना चाहिए, राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 लोग जो है अनुसूचित जाति के रूप में है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे कितनी है टोटल, ज्यादा है SC से, 1,53,16,784 पहला स्थान है भारत में इसका। शेड्यूल कास्ट में सातवां स्थान है और शेड्यूल ट्राइब में पहला स्थान है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% हिस्सा जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है। सबसे ज्यादा ST कहाँ रहते हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ रहती है किस जिले में, धार में, ये धार आपका, ये धार सबसे ज्यादा आपकी धार में रहती है जनजातियां, ठीक है। इसके बाद सबसे कम जो है जनजातियां कहाँ रहती है, भिंड में सबसे कम जनजातियां यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनजातियां धार में, सबसे कम जनजातियां आपकी भिंड में रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भिंड में 0.4% जनजातियां हैं और धार में काफी बड़ी संख्या है। अधिकतम ST, ठीक है, प्रतिशत सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ पे, परसेंटेज के, ये तो जनसंख्या के हिसाब से धार है, लेकिन सर्वाधिक ST जो अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब के लोग, अनुसूचित जनजातियां हैं, वो सबसे ज्यादा अलीराजपुर में 79% लोग वहां के आपके जनजाति के रूप में है, ठीक है। और सर्वाधिक इसके बाद जो है आपका सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जाति वाला, ये इंदौर है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति इंदौर में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील भी आपकी इंदौर ही है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी स्तर आपकी रौन है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील आपकी मांडला है, इस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसको रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील मांडला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील अजयगढ़ है, अजयगढ़ आपका, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की ढाल उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी मतलब नदियां सारी देखो किधर जा रही है ना, ये तो रिफ्ट वैली है, नहीं तो ये भी निकल जाती उधर, है ना, रिफ्ट वैली नहीं होती ये दोनों, ये नर्मदा आपकी है ना, दोनों रिफ्ट वैलियों में बहती है, इस कारण से भ्रंश घाटी कांड से इनका ढाल है, लेकिन पूरा ढाल उत्तरमुखी है, उत्तर की तरफ है, ठीक है। भोपाल से दूरस्थ जिला आपका, सबसे भोपाल से दूरी का जिला माना जाता है, जैसे भोपाल यहाँ पे तो सबसे दूर यही पड़ता है सिंगरौली, इधर का ऐसा नजदीक है, तो भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला सिंगरौली है, इस लेवल पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्क रेखा में MP के 14 जिले होकर गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा एकमात्र राज्य सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। अधिकतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो अधिकतम शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में है और न्यूनतम मुरैना में है, ठीक है। तो ये आपका जनगणना सेंसस के डेटा हो गए, सेंसस से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने सेंसस को यहाँ पे ले लिया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत विशेष चीज पढ़ाता हूँ, अधिनियम एक्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभावित करने के लिए सबसे पहले बनाया गया था आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। मंदिरों में प्रवेश को लेकर के, दुकानों में, रेस्टोरों में प्रवेश को लेकर, सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश को लेकर के पहले जो निर्बंधन लगे हुए थे उन निर्बंधनों को ये दंडिक प्रावधान है, इसमें दंडिक प्रावधान रखता है, अस्पृश्यता को अपराध मुक्त करता है, ठीक है। तो पहला आपका अधिनियम है आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहले इसका नाम था 1955 है नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, मैं इन्हें डिटेल से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन आज भी ग्लिम्स देख लेते हैं इनका क्या क्या है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम,
19 नवंबर 1971 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया। ठीक है, ये जो है आपका एक्ट जो है 1 जून 1955 से पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक, संपूर्ण भारत में लागू हो गया, अब तो जम्मू कश्मीर भी नहीं रहा, तो जम्मू कश्मीर नहीं रहने कारण से पूरे भारत में लागू है। पहले प्रारंभ से ये पूरे भारत में लागू था। ठीक है, तो 1 जून 1955 से संपूर्ण भारत में लागू है। कुल धाराएं इसमें 17 है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 या फिर अस्पृश्यता अपराध नियम जो पुराना नाम था इसका, उसमें कुल 17 धाराएं हैं। पूछता है कितनी धाराएं हैं, तो 17 धाराएं हैं। इसकी धारा 3 कहती है धार्मिक अधिकार देती है। इसकी धारा 3 धार्मिक अधिकार देती है, यानी कि सभी जातियों के लोगों को या सभी समुदाय के लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करेगा और यदि मंदिर पूजा स्थल में प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार का निर्बंधन लगाएगा तो उसे कम से कम 1 महीने की जेल, अधिक से अधिक 6 महीने की जेल। ये भी पूछता है दंड का प्रावधान कितना है, सभी भी यही है, लगभग 1 माह और अधिक से अधिक 6 मास के कारावास की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और उसको जुर्माना कितना होगा, कम से कम 100 रुपया, अधिक से अधिक 500 रुपए। ठीक है, तो ये आपका जो है यदि अस्पृश्यता अपराध है, अस्पृश्यता अपराध को लेकर के बनाया गया। धारा 4 में सामाजिक अधिकार दिए गए हैं कि जितने भी सार्वजनिक होटल हैं, दुकान है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर निर्बंधन नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई लगाएगा तो उसको भी क्या होगा, 1 माह की कम से कम और 6 माह की अधिक से अधिक जेल हो सकती है, या 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का दंड देने का प्रावधान। धारा 6 इसकी वस्तुएं बेचने और सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देती है। धारा 10 इसकी अपराध का दुष्प्रेषण से जुड़ी हुई है। धारा 10A इसका सामूहिक जुर्माना लगाने की राज्य सरकार की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये धाराएं जो जो पूछी जाती मैंने वही रखी है, सारी धाराएं मैंने ले रखी। धारा 15 अपराध संज्ञेय और संक्षिप्तता विचारणीय होंगे, उसको लेकर के इसमें डिस्कस किया गया है। और धारा 16 केंद्र सरकार इस एक्ट के पालनार्थ नियम बना सकेगी और ये नियम संसद की सहमति से ही लाए जाएंगे, तो धारा 17 इसकी ये। ठीक है, और धारा 16 बी है ये, केंद्र सरकार इस एक्ट के पालनार्थ नियम बना सकेगी और इस नियम की सहमति से संसद से ली जाएगी। और धारा 16 में इसके अपराधी परिवीक्षा एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम अधिक व्यक्तियों को लागू नहीं किया जाएगा। अपराधी परिवीक्षा एक्ट 1958 उसके तहत 14 साल से कम बच्चों पर लागू ना होना उससे जुड़ी हुई है। तो मूल रूप से भारत में छुआछूत को खत्म करने के लिए, नागरिक अधिकारों को समान रूप से बनाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसी से एक और अधिनियम बना जिसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है ये 1989 पे आया आपका। अनुसूचित जाति एससी एसटी है ना, उससे जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ये अधिनियम संख्यांक 33 में है। ठीक है, वहां पे व्याख्यापित है और 11 सितंबर 1989 को संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति मिली है इसे। 30 जून 1990 को संपूर्ण भारत में लागू, पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से स्थिति शायद ये बदल गई और पूरे भारत में लागू हो चुका है। 30 अक्टूबर 1990 से संपूर्ण भारत में लागू। एक्ट में 5 अध्याय हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 5 अध्याय हैं और टोटल कितनी है, 23 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। धारा 1 में एक्ट का नाम है। ठीक है, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 में अत्याचार एवं अपराधों के लिए दंड का वर्णन किया गया है। धारा 3 में अत्याचार और अपराधों के लिए दंड का वर्णन किया गया है। धारा 4 में लोक सेवक के कर्तव्यों के, यदि कोई लोक सेवक है और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 9 के तहत राज्य सरकार को अत्याचार निवारण हेतु विशेष शक्ति प्रदान की गई है और जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, उसका प्रावधान किया गया है। धारा 10 में ऐसे व्यक्तियों का हटाया जाना है जिनके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो धारा 10 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि फ्यूचर में कोई ऐसा अपराध हो जाएगा तो धारा 10 का काफी दुरुपयोग भी होता है। धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में जो आपका कोई सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय के रूप में बनाया जाएगा। तो सीधा सीधा धाराएं पूछती कि इस धारा में क्या है, तो धारा 1 में एक्ट का नाम है, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है, धारा 3 में अत्याचार एवं अपराधों के लिए दंड का वर्णन है, धारा 4 में लोक सेवक के कर्तव्यों को उपेक्षा के लिए दंड का वर्णन है, धारा 9 में राज्य सरकार के अत्याचार के निवारण हेतु विशेष शक्ति प्रदान करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, उसका प्रावधान है। धारा 10 में ऐसे व्यक्तियों का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना ज्यादा है। और धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में किसी निर्दिष्ट सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान है।
धारा 5 में विशेष लोक अभियोजक को बंद किया गया है। धारा 21 में एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 23 में एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। यदि इस पूरे अधिनियम में कोई भी शब्द परिभाषित नहीं है तो आप आईपीसी से उसको परिभाषित कर लीजिए, आईपीसी से परिभाषित कर सकते हैं। और इसकी प्रगति दांडिक है, आईपीसी की धारा 41 के अनुसार विशेष विधि के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है, विशेष विधि के अंतर्गत आता है। और ये मान लीजिए कि ये बहुत ही प्रभावी है एससी एसटी के लिए, जब से पारित हुआ, कई बार जब इसमें कुछ परिवर्तन भी किए जाने थे, ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार एक बहुत पुरानी विषय वस्तु है, आज की नहीं है, 1215 में मैग्ना कार्टा जो है महारानी का राज लेख जो था तभी से मानवाधिकारों की चर्चा चली आ रही थी। तो मानवाधिकार यानी कि मानव के अधिकारों को बेहतर बनाने के लिए, उनका संरक्षण बनाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। यूनाइटेड नेशन ने काम बहुत पहले कर दिया था, कब बनाया था यूएन ने, कब बनाया था, कब यूएन ने घोषणा पत्र जारी किया था मानवाधिकारों का, ये हालत है आप लोगों की। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें 30 आर्टिकल यूएन ने मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण के लिए यूएन ने मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया 10 दिसंबर 1948 को। 1993 में भारतीय संसद ने भी ये काम किया, 28 सितंबर 1993 से प्रभावी हुआ है और संपूर्ण भारत में लागू है। ह्यूमन राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें 8 अध्याय हैं पूरे और 43 धाराएं हैं। धारा 1 में नाम दिया गया है, विस्तार दिया गया है, प्रारंभ की तिथि बताई गई है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन की बात की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात धारा 3 में दी गई है। धारा 12 में सेक्शन 12 में इसके आयोग के कृत्य और शक्तियों की बात की गई है। धारा 17 में शिकायतों की जांच की बात की गई है। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई है। धारा 30 में मानवाधिकार का न्यायालय का गठन, मानवाधिकार न्यायालय के गठन की बात की गई है। धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 43 धाराएं हैं, जिसमें से ये धाराओं में से क्या है, धारा 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछी गई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग धारा 3 के तहत। धारा 12 में आयोग के कर्तव्य और शक्तियां। धारा 17 में शिकायतों की जांच के लिए की बात की गई। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग, धारा 21 भी कई बार पूछी जाती है। धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय के गठन की बात है। धारा 31 में विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति की बात है। धारा 43 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश को 1993 को निर्सित किए जाने की बात है। और धारा 13 में राष्ट्रीय आयोग के जांच से संबंधित शक्तियां हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मानवाधिकार आयोग बनाया था 13 सितंबर 1995 को, ठीक है। धारा 21 के तहत जो है अपना जो है खुद का बनाया था, 13 सितंबर 1995 को गठित किया था। तो ये आपके तीनों के तीनों अधिनियम है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, दूसरा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और तीसरा है नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। ये भी आपका अनुच्छेद 17 के तहत ये भी आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम, ठीक। इनको मैं डिटेल भी कराऊंगा इसी दिन क्लास में, एक एक टॉपिक लेकर के इनको मैं पढ़ा दूंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, जनजातियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश में जनजातियां बड़े स्तर पर निवास करती हैं। पहली बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 में परिभाषा दी गई जनजातियों में, ठीक है, कि जनजातियां किसे कहेंगे। अनुच्छेद 366 का 25वां नंबर आप जाएंगे तो वहां पे अनुसूचित जनजातियों की चर्चा की गई, डिस्कस किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो अनुसूचित जनजातियों को चिन्हित कर सकते हैं। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति को चिन्हित करने के, राष्ट्रपति चिन्हित करेंगे, और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति। तो ये आर्टिकल पता होना चाहिए, अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट जारी की जाती है, चिन्हित किया जाता है, समझ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किए जाते हैं कि ये जिला, ये राज्य, ये है ना, ये राज्यों में अनुसूचित जनजातियां रह रही है, तो वहां पे विशेष प्रशासन और विभिन्न वसूल, ठीक है। वर्ष 1995 में एमपी ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी किया था। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है,
हिक भील जनजाति है और लगभग 37.% है इनका, 37.7% इनका जो है हिंदी में प्रवृत्ति वास करता है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ा जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति गोंड है भारत की, लेकिन एमपी की सबसे बड़ी भील है। और भीलों और ये जो है ये सबसे बड़ा जनजाति समूह भी है, गोंड सबसे बड़ा जनजाति, इसके अंदर बहुत बड़ी उप जनजातियां। देखो पहले तो जनजातियां, जनजातियों में बहुत सारी उप जनजातियां, जैसे नागा जनजाति उसके अंदर बहुत सारी जनजातियां हैं, भील जनजाति बहुत सारी जनजातियां हैं, गोंड जनजाति बहुत सारी उसकी छोटी 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 जनजातियां, तो उप जनजातियां भी अभी हम समझेंगे। भीलों का जो घर है इसको फालिया कहते हैं, भीलों के घर को फालिया कहते हैं। और उत्तर प्रदेश एमपी राज्य ने, एमपी राज्य ने तीन जनजातियों को, एमपी राज्य की तीन जनजातियों को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में भी घोषित किया है। इसके अंतर्गत बैगा जनजाति, सहरिया जनजाति और भारिया जनजाति, ठीक है। अब चलिए एक एक देखते हैं। पहला है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की उप जनजातियां कहां है और उनका निवास स्थान कहां है, कहां कहां पे रहती है। वैसे गोंड जनजाति पूरे के पूरे एमपी में हर जिले में मिल जाएगी आपको, है ना। हाँ तो प्रधान इसका, इसकी जनजातियां क्या है, पहले तो प्रधान अगरिया, ओझा, ठीक है, गर्ची, सोलहास, कमार, ये कुछ छोटी छोटी जनजातियां। प्रधान अगरिया, अगरिया बहुत फेमस है इसमें, इससे बहुत बार पूछा गया गोंड जनजाति की उप जनजाति है। ओझा, ठीक है, गर्ची, सोलहास, कमार, ठीक है, 35% हिस्सा है, प्रदेश के सभी जिलों में है और नर्मदा नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र में अवस्थित है। भील जनजाति, भील जनजाति की उप जनजातियों में बरेला, भिलाला, पटलिया, ठीक है, ये आपकी 37.7% है। ये धार प्रदेश, धार ये आपका धार रीजन, ठीक है, यहाँ पे धार, झाबुआ, झाबुआ भी यहाँ पर है, आपका झाबुआ रीजन है, चंद्रशेखर आजाद जी यहीं से थे। पूर्वी निमाड़, ठीक है, निमाड़ रीजन आपका नीचे वाला हिस्सा जो है ना, पूरा का पूरा निमाड़ रीजन है, इसे निमाड़ कहते हैं। अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर यहाँ पर आपकी भील जनजाति ज्यादा रहती है। बैगा जनजाति, बैगा जनजाति बिंजवार, उनकी उप जनजाति बिंजवार है, नरोतिया है, भरोतिया है, नरोतिया, भरोतिया, सब बैगा जनजाति से है। नाहर, रेधना, काढ़, मैना, ये आपकी है और ये रहती कहाँ, मांडला जिला, बालाघाट जिला, डिंडोरी जिला, इन तीन जिलों में आपको ये जनजाति मिल जाएगी। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति मोवासी कमा, बाबरी, बोडोयो, नाहर नहाला और ये आपकी पूर्वी निमाड़ हिस्से में और होशंगाबाद वाले हिस्से में आपकी कोरकू जनजाति रहती है। भरिया जनजाति, भरिया जनजाति के अंतर्गत भूमिया, भुईहार, पंडो, ये आपके छिंदवाड़ा और जबलपुर में पाई जाती हैं। कोल जनजाति रोहिया, राठेल, रीमा, सतना और शहडोल जिले में पाई जाती है। सहरिया जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहते हैं, ठीक है, और ये जो है आपके गुना, शिवपुरी, राजगढ़, मुरैना, ग्वालियर, विदिशा, रायजीन, अशोक नगर, इस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो वैसे वैसे पूरी जगह पे मुख्य जनजाति यही है, गोंड आपकी, भील, बैगा, कोरकू, बरिया, कोल, सहरिया, गुना, ठीक है, ये आपकी प्रमुख जनजातियां हैं जो कि आपकी प्रवेश रहती हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के रूप में, ठीक। अगली थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ के प्रमुख नृत्यों के रूप में। मैंने इसको कई क्षेत्रों में बांट रखा है, रीजन को बांट रखा है। पहला आपका चंबल क्षेत्र है, ठीक है, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका चंबल वाला हिस्सा, ये पूरे आते हैं चंबल वाले क्षेत्र में। यहाँ पे लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य में यहाँ पे है आपका बधाई, लोक नृत्य मतलब स्थानीय नृत्य, दो प्रकार के नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल और दूसरी, यहाँ इसका कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश का अपना कथक है ना, हर राज्य में कुछ राज्यों में पर्टिकुलर कुछ शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं जिनका अपना खुद का एक ग्रामर होता है ना, खुद की एक व्याकरण होती है, व्याकरण संबंध होते हैं। ये लोक नृत्य स्थानीय स्तर पर होते हैं, बधाई, राई, रास नृत्य, सहरा, कानडा, कलश नृत्य, ये आपके लोक नृत्य हैं, ठीक है, चंबल क्षेत्र के। और लोक गायन, ठीक है, लोकल जो आपके लोक गायन है वो कौन से हैं, आल्हा, विरहा, हरदोल की मनौती, बैठा, चौकड़िया, जगदेव का पुआरा, बबूलिया, ये जो है आपके लोक गायन है, स्थानीय स्तर पर ये फेमस है मध्य प्रदेश में चंबल रीजन पे, ठीक है। नहीं, ये बुंदेलखंड के, माफ कीजिएगा, चंबल क्षेत्र में एक ही है लंगूरिया, चंबल क्षेत्र का लोक नृत्य है लंगूरिया, ये जो मैंने आपको बताया आला, बिरहा, हरदोल की मनौती, बरेटा, चौकड़िया, जगदेव का पुआरा, बबूलिया, बुंदेलखंड के लोक गायन है और बुंदेलखंड के लोक नृत्य है बधाई, राई, रास, सहरा, कंडा, कलश नृत्य, ठीक है। अगला है आपका बघेलखंड, ये पूरा हिस्सा आपका एमपी का बघेलखंड में आता है, ये हिस्सा पूरा बघेलखंड है,
यहाँ के लोक नृत्य में सुमा, दादर, कलसा और दगौरा है। यहाँ पे लोक गायन में विदेशिया और बस देवा है, ठीक है। मालवा रीजन, मालवा रीजन में लोक नृत्य आपका मटकी, गरबा, गरबा इसलिए क्योंकि गुजरात से जुड़ा हुआ हिस्सा है, ठीक है। मटकी, गरबा, कहरवा, फुंदी, ये सब जो है इसके लोक नृत्य है। लोक गायन में साझा गीत, हिड गायन और भरथरी गायन। निमाड़ क्षेत्र में लोक नृत्य जो आपके हैं गड़गौर और काठी है। लोक गायन में आपका साझा गीत है और हिड गायन और भरथरी है। तो ये आपके लोकल गीत और ये इससे भी प्रश्न पूछते हैं, वहाँ का स्थानीय कल्चर है। कुछ यहाँ पे पर्यटक स्थल है, आप घूमने जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर बोला जाता है, भोजपुर में स्थित है। ये शिव मंदिर है, एक भोजपुर का शिव मंदिर मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। ग्वालियर में सास बहु मंदिर है, ठीक है, ग्वालियर में सास बहु मंदिर है। तानसेन की समाधि है यहाँ पर ग्वालियर में। तेली मंदिर है, सूरज कुंड है और गुजरी महल है, ठीक है। ग्वालियर में सास बहु मंदिर, तानसेन की समाधि, तेली मंदिर और आपका सूरजपुर और गुजरी महल। खजुराहो, खजुराहो में मंदिरों का बहुत बड़ा समूह है। चंदेल शासकों के द्वारा मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से प्रमुख है कंदरिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं, कंदरिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, मंगतेश्वर का मंदिर, इसके बाद आपका विष्णु मंदिर, जगदम्बा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, दुल्हा देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और घटाई मंदिर। ये आपके अभी इसमें और भी हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत बड़ी संख्या में मंदिर हैं यहाँ पे। कंदरिया महादेव, चित्रगुप्त सूर्य मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर, विष्णु मंदिर, जगदम्बा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, दुल्हा देव मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और आदिनाथ, घटाई मंदिर, ब्रह्मवानंद, जबारी, ये सारे के सारे आपके नागर कला शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, नागर कला शैली में बनाए गए हैं। ओरछा में, ओरछा में आपका ये बुंदेलखंड राजा था रुद्र प्रताप, इसने दो मंदिर बनवाए हैं। एक है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है ओरछा में और दूसरा आपका चतुर्भुज मंदिर है। पंचमढ़ी के बारे में आप जानते हैं, पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है, एक स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है पंचमढ़ी और सतपुड़ा श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। सांची का स्तूप विदिशा में है, ये सांची एक जगह ही है अपने आप में विदिशा के पास वहीं पे, तो ये बौद्ध मोनुमेंट आपका वहां पर अवस्थित है सांची। ये कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ठीक। आगे जो है दो बातें इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में हो जाए, एमपी के मध्य प्रदेश का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में मानव का निवास स्थान, ठीक, मानव यही रहता था, यहीं से मानव का प्रारंभ यहीं से माना जाता है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं इसका साक्ष्य है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज पूछताछ कब हुई थी, 1957-58 में विष्णुधर श्री वाडकर ने 1957-58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की, ठीक है। नाम क्या है इसका, श्री विष्णु श्रीधर वाडकर। इसके बाद पुरापाषाण काल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लिम्प्स दे देता हूँ इतिहास का। इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल आपका मध्य प्रदेश से ही शुरू होता है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी लिपि नहीं होती, जहाँ पे मानव लेखन कला नहीं जानता है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, यहाँ का मानव सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है, कम्युनिकेशन कैसे होता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मौखिक कम्युनिकेशन था, ठीक है, लिखित नहीं था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ का हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ कोई समाज जीवाश्म मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, मानव के आभूषण मिल गए, उपकरण मिल गए, उस आधार पर पूरा का पूरा इतिहास लेखन किया गया प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और ये अविकसित मानव था, विकास के चरण में था। प्रागैतिहासिक काल एक बहुत लंबी अवधि है जहां पर मानव का निर्माण हुआ, मानव का सृजन हुआ, मानव बना मानव पहले, तो 20 लाख बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक आ पाएंगे तो पूरा का पूरा प्रागैतिहासिक काल ही चलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बाद की सभ्यता है, उससे पहले मानव का विकास। तो इसको तीन भागों में बांटते हैं प्रागैतिहासिक काल, पहले पुरापाषाण काल स्टोन एज में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल भी बहुत लंबी अवधि है तो इसको भी तीन भागों में बांट देते हैं, 20 लाख बीसी से लेकर 10000 बीसी तक की अवधि आपकी पुरापाषाण काल है, इसको तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मध्य प्रदेश में सभी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, निम्न के भी, मध्य के भी, उच्च के भी, और मध्य पाषाण काल के भी और नवपाषाण काल के भी। तो यहाँ पे नर्मदा घाटी का क्षेत्र मानव के उद्गम का स्थान था, यही से मानव जो है, तो प्रागैतिहासिक काल में मानव का निवास स्थान भीमबेटका है। पुरापाषाण काल की जो, देखो बहुत सारे इतिहासकार हैं जहाँ जिन्होंने, या पुरातत्व शास्त्री हैं, भूगर्भवेत्ता हैं जिन्होंने यहाँ पर जा करके
खोजे की पता की। तो एच डी संकालिया महोदय हैं, एच डी संकालिया, आर बी जोशी, मैक क्राउन आदि पुरातत्वविदों ने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया। ठीक, प्रथम मानव साक्षी की खोज की गई हथनौरा में, ठीक है, सीहोर जिला है, और 5 दिसंबर 1982 को खोज हुई इसकी। ठीक है, प्रथम नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षण हुआ है, इन्होंने किया एच डी संकालिया ने। क्वेश्चन पूछता है नर्मदा नदी घाटी के का सर्वेक्षण में एच डी संकालिया, आर बी जोशी, मैक क्राउन। ठीक है, प्रथम मानव साक्षी खोज हथनौरा हुई है, जगह का नाम याद रखना हथनौरा, ये सीहोर जिला में पड़ता है हथनौरा, और 5 दिसंबर 1982 में, ठीक है, डॉक्टर अरुणा सोनंकिया ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बीबी मिश्रा ने भीमबेटका से ब्लेड और हड़प्पा संस्कृति के ब्लेड 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 की खोज की थी। ब्लेड एक तरीके का औजार होता था जो मानव यूज करता था, कुरचनी बोलते हैं इसको, है ना, मानो जब मध्य पाषाण काल में आता है, पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में उसके पत्थरों के उपयोग की प्रकृति बदल जाती है। पहले वो बेडाउल पत्थरों को प्रयोग करता था, अब सुडाउल का करता था, छोटे छोटे पत्थरों का, माइक्रोलिथ्स, है ना, छोटे पत्थरों का प्रयोग करना मध्य पाषाण काल में शुरू कर दिया था। ठीक है, एक लकड़ी ले लेता था लड़की, लकड़ी के आगे जो है पतली सी जो है एक जो है तीर नुमा जो है पत्थर को बिल्कुल खुरच करके धारदार बना करके लगाता था, और फिर बाढ़ धनुष के माध्यम से शिकार करता था। तो मध्य पाषाण काल का मानव थोड़ा सा ज्यादा समझदार हो गया था, वो शिकार के पास भी नहीं जाना चाहता था, भाले का प्रयोग करने लगा था। तो ब्लेड वही है, उसी से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश से पहली बात इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यहाँ से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक ही सीमित है, ठीक है, उसके आगे नहीं है। तो यहाँ से पहली बात आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोई साक्ष्य नहीं है, हाँ पूरा पाषाण काल के पूरे साक्ष्य यहाँ पे नहीं। दूसरा, महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, एरन आदि से पत्थर, ब्लेड या ताम्रपाषाण सभ्यता की जो आपका खोज है यहाँ पे, ताम्रपाषाण सभ्यता भी थी। ये माना जाता था कि मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का भी उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। तो महेश्वर, नवदा टोली, कायथा, एरन ये क्षेत्रों से ब्लेड उपकरण और ताम्र धातु के उपयोग को पता चला है। इसके अलावा जो ये आपका भिंड मुरैना वाला एरिया है, भिंड मुरैना ग्वालियर, यहाँ से जो है लाहौरयुगीन सभ्यता के बारे में भी पता चला कि मानव को लोहे का भी ज्ञान हो गया था। इसके अलावा रीमा वाले क्षेत्र से लीवा सीधी सीधे महापाषाण स्मारकों का पता चला है। महास्मारक सावधान पद्धति थी जिसके अंतर्गत बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के सावों के चारों तरफ बना दिया था, पिट सर्किल, वो सब पढ़ाएगा होगा आप लोगों को। महापाषाण संस्कृति तो पढ़े है ना, कर्नाटक वाले क्षेत्र में साउथ रीजन में बड़े बड़े पत्थरों को सावधान किया जाता था, मानव को जो है साउथ के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। तो वही महापाषाण संस्कृति यहाँ पे रीमा सीधी क्षेत्र में पाई गई है। वैदिक काल में एमपी के दक्षिण पथ को के नाम से इसको जानते थे, और वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों में इसको दक्षिणा पथ कहते थे, रेवांतर के रूप में कहते थे। महाजनपद काल में दो महाजनपद एमपी में थे, अवंती और चेदी, अवंती और चेदी, दो ये महाजनपद जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद पूरा का पूरा इतिहास आपका मौर्य काल के अधीन रहा ये, फिर गुप्त काल के अधीन रहा, फिर इसके बाद पूरा का पूरा जो भी आपके शासक आते रहे सब यहाँ पे एमपी पे, भारत के इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी इतिहास चलता है। ठीक है, यदि मैं लेटेस्ट बात करूं तो नागपुर में भोसले के भोसले शासक थे, मराठों की एक शाखा थी भोसले। तो नागपुर में भोसले शासक रघुजी तृतीय, जब इनका निधन हो गया, निधन के पश्चात 11 दिसंबर 1853 को लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है अंग्रेजों ने नागपुर का आधिपत्य कर दिया, उसके बाद उसको विलय कर लिया नागपुर को। नागपुर ही राजधानी थी पहले इसकी प्रारंभिक राजधानी। उसके पश्चात 13 मार्च 1854 को, अब नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, 13 मार्च 1854 को मध्य प्रदेश के समस्त दक्षिण पूर्वी भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश को ये बरार प्रांत के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है, तो आपका जो है पहले ये पूरा का पूरा यदि आप हिस्सा देखें तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है आंध्रा वाला, पहले छत्तीसगढ़ का तो पूरा सम्मिलित था ही ना, आंध्रा का काफी हिस्सा बरार वाला क्षेत्र जो था, और इधर आपका मध्य प्रदेश का रीजन, महाराष्ट्र का रीजन भी इसमें सम्मिलित था। महाराष्ट्र का काफी बड़ा हिस्सा मध्य प्रांत में आता था आपका। ठीक है, 24 अक्टूबर 1936 को ये बरार प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद इसका पूरा नाम मध्य प्रांत और बरार प्रांत, यही इसका पूरा कंप्लीट नाम हो गया था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से इसको जानते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के दिन तत्कालीन राजधानी नागपुर में पंडित रविशंकर शुक्ला ने, जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तिरंगा फहराया था,
और 1 नवंबर 1956 से पहले ये राज्य की कैटेगरी में, जो चारों कैटेगरी थी उन्हीं में से एक में था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्वी संभाग से तीन संभाग और 16 जिलों को हटा करके एक छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से तीन संभाग, मध्य प्रदेश से तीन संभागों को 16 जिलों को अलग करके 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। इसकी राजधानियों को अलग अलग बहुत सारे उपनाम भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रशासनिक राजधानी, मेन राजधानी तो यही है, प्रशासनिक राजधानी के रूप में हम भोपाल को जानते हैं। व्यवसायिक राजधानी, इंदौर को व्यवसायिक राजधानी कहते हैं। इसके बाद हम संस्कार राजधानी कहते हैं जबलपुर, जबलपुर को संस्कार राजधानी कहते हैं। पर्यटन या ग्रीष्म राजधानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, खेल राजधानी इंदौर को कहा जाता है। तो ऐसे उपनाम कुछ क्षेत्रों के दे दिए गए हैं। और ठीक है, तो आपका जो है ये आपका एमपी से जुड़ी हुई कुछ बातें। अब हमको एक बार देखना है कि हमने क्या क्या कर लिया इसमें और क्या क्या बचा है। सबसे पहले हमने एमपी का जो है परिचय, सामान्य परिचय देखा जितना भी है इसका, राजनीतिक मानचित्र। अब इसमें मैं एक बार राजनीतिक मानचित्र में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, कहाँ पे क्या अवस्थित है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले उमरिया, उमरिया में बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बाघों के प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहीं पर है। ठीक, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मांडला में है कान्हा किसली नेशनल पार्क, यहाँ पे हवाई पट्टी भी है। कान्हा किसली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, ये भी बाघों से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगला यहाँ पे डिंडोरी में फॉसिल्स नेशनल पार्क है या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है। नीचे अब एक तरफ से आते जाते हैं छिंदवाड़ा, इसे भी याद रखिएगा, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी इसे कहते हैं। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है, अभी बाघों से जुड़ा हुआ है। खांडवा में अभी प्रस्तावित, अभी बना नहीं है, खांडवा में ओंकारेश्वर ये आपका प्रस्तावित, अभी छोड़ देते हैं। इंदौर में राला मंडला अभ्यारण्य है, इंदौर में राला मंडला अभ्यारण्य है इंदौर। धार में एक अभ्यारण्य भी है और एक राष्ट्रीय पार्क भी है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है, धार प्रदेश में। और सरदारपुर अभ्यारण्य आपका ये भी धार प्रदेश में। तो धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, धार, सरदारपुर अभ्यारण्य आपका ये भी धार में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऊपर चलते हैं। मुरैना में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण किया गया है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य है। श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है और करेरा अभ्यारण्य है। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क या करेरा अभ्यारण्य है। ठीक है, पन्ना में पन्ना नेशनल एवं बायो रिजर्व, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सागर में नौरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है, सागर का नौरा देही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नौरा देही। ठीक है, रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य है, रायसेन में। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। तो लगभग ये सभी हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। उमरिया में बांधवगढ़, ये बिल्कुल याद रखिएगा। मांडला में कान्हा किसली, छिंदवाड़ा में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद जो है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। सागर में नौदा दोही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। रायसेन में रातापानी है। होशंगाबाद में सतपुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राला मंडला इंदौर में है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा अभ्यारण्य है राला मंडला इंदौर में, सबसे बड़ा है नौरा देही अभ्यारण्य सागर में। धार में राष्ट्रीय पार्क है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क और सरदारपुर अभ्यारण्य। इसके बाद रतलाम में सैलना अभ्यारण्य है। अगार मलवा में गौ अभ्यारण्य है। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य है और श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क और करेरा अभ्यारण्य। और मुरैना में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख अभ्यारण्य है। यहाँ पे सीधी में संजय राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पे डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपके जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हो, ये भी हो गए। ठीक है, तो हमने एमपी का पूरा परिचय
और इसके बाद इसका पॉलिटिकल जितना भी अच्छान देशांतर कहाँ पे कौन सा जिला है किसके साथ कौन सा राज्य साझा हो रहा है ये सारी चीजें हमने लगभग लगभग डिस्कस कर ली। ठीक है, इसके बाद यहाँ का पॉलिटिकल और राजनीतिक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा समझ लिया कि कितनी सीटें कहाँ के लिए है। राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं, लोकसभा के लिए 29 सीटें हैं और विधानसभा में 231 सीटें हैं, 230 प्लस एक। ठीक है, तो ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी 47 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं अनुसूचित जाति एसटी के लिए और एससी के लिए 4 सीटें हैं। इतना कम से कम मोटा मोटी आपको आइडिया हो। इसके बाद हमने पूरी जनगणना देख ली अच्छे से। ठीक है, जनगणना देख ली, कुछ प्रमुख इसके मंदिर वगैरह देख लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका खजुराहो टेम्पल आता है, इसके बाद आपका सांची का स्तूप आता है। ठीक है, और इसके अलावा आपका देखेंगे अभी जो भी है यही दो तीन है, यहाँ पे दो तीन चार साइट है जो कि इसमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ठीक, अगले आपका ये हो गया। इसके बाद जलप्रपात हमने यहाँ पे देख लिए, पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपकी देख ली हमने, जिसमें नदियां देख ली, पहाड़ देख लिए, पठार देख लिए, ये सारे देख लिए। हाँ, भीम बेट का भी शायद आपका यूनेस्को में सम्मिलित है, भीम बेट का भी है। हाँ, भीम बेट का सांची और खजुराहो टेम्पल। ठीक है, आपका इसके बाद जो है यहाँ पे आपका पठार पर्वत ये सारी चीजें हो गई, जलप्रपात हमने देख लिए। थोड़ा सा मिट्टियों के बारे में चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ और यहाँ पे किस प्रकार से। तो सबसे पहले वर्षा का वितरण देख लीजिए, पहली बात ये तो दक्कन का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका वर्षा का वितरण कम होता जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है आपकी वो होती है ये औसत, ये वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा है यहाँ पे 100 से 125 सेंटीमीटर, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, तो जो बंगाल की खाड़ी आती है उसकी शाखा आती है उससे जो उसी मानसून के टाइम पीरियड पे सर्वाधिक वर्षा इस वाले रीजन में होती है, नीचे वाले रीजन में, दक्षिण वाला जो आपका मध्य प्रदेश है। यदि आप वर्षा का वितरण मिट्टी ये सब समझ जाए तो आप ये भी जान जाएंगे कि कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति होगी। तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण है, सबसे ज्यादा वन जंगल ये सब कुछ मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, भारत में सर्वाधिक। ठीक है, यहाँ पे औसत वर्षा आपकी 100 से पूर्वी, सबसे पूर्व में आपकी पूर्वी मध्य प्रदेश में 100 से 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसके बाद दक्षिणी में आपकी 125 से 150 सेंटीमीटर है और आपकी ये जो आपका सबसे पूर्व पश्चिमी है, पश्चिमी में सबसे कम होती है ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे सबसे कम जो है वर्षा होती है, लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर मिट्टी का विवरण, ये तो वर्षा हो गया, वर्षा पूरब से पश्चिम की ओर घटती है, ये आपका कथन सही है। अगला चलते हैं यहाँ पे मिट्टियां देख लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा है काली मिट्टी, ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, ये आपका गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है, सेंटर वाला बीच वाला हिस्सा जो है गहरी काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जल धारण क्षमता इसकी सर्वाधिक होती है, यहाँ पे काली मिट्टी है। ठीक, इसके ऊपर भी काली मिट्टी है लेकिन साधारण काली मिट्टी है, लेकिन है काली मिट्टी, ये भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। और नीचे जो है इसकी छिछली काली मिट्टी है, तो पूरा ये हिस्सा पूरा आप देखेंगे पश्चिम और मध्य वाला हिस्सा पूरा का पूरा आपका कैसा है, काली मिट्टी का हिस्सा है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा भी थोड़ा सा पाई जाती है, बुंदेलखंड का पठार वाला हिस्सा है यहाँ पे, जलोढ़ मृदा गंगा यमुना के मैदान से जलोढ़ मिट्टी का भी थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है। और मैक्सिमम यहाँ पर देखेंगे तो लाल मिट्टी का क्षेत्र, लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे वर्षा कम होती है, और यहाँ पे लैटराइट मिट्टी भी है। ठीक है, यहाँ पे लैटराइट सबसे नीचे, ये आपका पड़ेगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब में लैटराइट मिट्टी, आपका पूर्वी में लाल मिट्टी, पश्चिम और मध्य में काली मिट्टी, जिसमें गहरी काली बिल्कुल सेंटर में गहरी काली, इधर साधारण काली मिट्टी और सबसे नीचे आपकी छिछली काली मिट्टी, और ऊपर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पे मिश्रित मिट्टी है, काली मिट्टी है सब, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी सबका मिश्रित मिट्टी है। तो ये आपका यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा आपकी 74 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो अब इस कारण से आप देखेंगे जो मिट्टी है इस आधार पे कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सघन वन क्षेत्र वाला हिस्सा है, सबसे ज्यादा वन यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि काली मिट्टी का भी क्षेत्र है, दूसरा उच्चावच भी, और तीसरा जल की उपलब्धता है, तो सबसे ज्यादा वन यहाँ पाए जाते हैं।
आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा बांस मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस का नंबर एक स्थान है। यहाँ बांस पाए जाते हैं, सागौन पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, साल पाया जाता है ना, हर बहेड़ा के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बहुत सारे जो है पेड़ पाए जाते हैं जो कि सघन वन क्षेत्र के रूप में है। दूसरा है मध्यम वन क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा कम होती है थोड़ा सा, तो ये मध्यम वन क्षेत्र वाला हिस्सा है। यहाँ पे तेंदूपत्रा, सागौन, ठीक है, आदि के ये जो है खैर, ये सबके जो है आपको यहाँ पे पेड़ मिल जाएंगे। इसके बाद ये आपका जहाँ पे कम वर्षा होती है, ये पूर्वी और पश्चिम वाला हिस्सा जहाँ पे 75 से 70 सेंटीमीटर होती है, इसमें अल्प वन क्षेत्र है। यहाँ पे आम, महुआ, नीम, बबूल, पलाश, ये सघनता कम होती है, यहाँ पे बहुत सघनता होती है, सघन वन क्षेत्र। यहाँ पे मध्यम सघनता होती है तेंदुपत्ता, खैर और सागौन, और यहाँ पे कम सघनता। आप देखते हैं आम, बबूल, नीम, ये कोई सघनता में नहीं पैदा होते, दूर दूर होते हैं, है ना। और ये जो बांस हो गए आपके, सागौन हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, ये सब सघन क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे अधिक वर्षा के कारण से चीजें होती हैं। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कुछ, एक सबसे ज्यादा सर्वाधिक बनावरण वाला राज्य यही है मध्य प्रदेश, 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का हिस्सा इसका बनावरण है, वन से ढका हुआ है। तो भारत का सबसे ज्यादा बनावरण है, 24% के आसपास, 24% कुछ है इसका, ठीक है, बनावरण है। बांस की सर्वाधिक उत्पादन जो है आपकी है, बांस की सर्वाधिक उत्पादन स्थिति मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पंचमढ़ी है, और शीर्ष खुला वन क्षेत्र, इसमें शीर्ष खुला वन क्षेत्र शिवपुरी है। ये सतपुड़ा रेंज में, यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ियों में सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र बालाघाट में, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका बालाघाट में, न्यूनतम बनावरण वाला क्षेत्र उज्जैन, सबसे कम बनावरण उज्जैन में, सबसे ज्यादा बनावरण बालाघाट में, और शीर्ष खुला क्षेत्र शिवपुरी में। तो ये आपका जो है इसका मिट्टियों का, वर्षा का और वन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है। तो इसमें सर्वाधिक बनावरण वाला मध्य प्रदेश है, 77,414 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका डेटा है 2017 का आंकड़ा मेरे पास। बांस की सर्वाधिक उत्पादन स्थिति मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक बनावरण वाला क्षेत्र बालाघाट में, न्यूनतम बनावरण वाला उज्जैन में है, और शीर्ष खुला बनावरण वाला क्षेत्र शिवपुरी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये हिस्सा हो गया आपका मिट्टी और उससे जुड़ा हुआ, ठीक, जहाँ पे काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, और यहाँ पे वर्षा का वितरण आपका पूरब से पश्चिम की ओर कम होता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे आपकी 75 से 100 सेंटीमीटर हो जाती है, या 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है अधिक वर्षा क्षेत्र, और सबसे कम 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा भी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कस हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ के खनिजों की, यहाँ पर क्या क्या चीजें खनिज के तौर पर पाए जाते हैं। वैसे मैंने भारत के भूगोल के चैप्टर में बताया काफी चीजें, लेकिन फिर ग्रेफाइट आपका, क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टाने और यहाँ पर बड़े स्तर पर भवन निर्माण सामग्री और बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट में बैतूल जिले में ग्रेफाइट पाई जाती है, आपका बैतूल जिला यहाँ पे होगा, ठीक है, ये बैतूल है ना, बैतूल जिले में आपकी ग्रेफाइट पाई जाती है। कोयला आपका शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। सिंगरौली वाले क्षेत्र में प्लांट भी है आपके, है ना, एनटीपीसी का प्लांट भी है यहाँ पे। तो शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बैतूल, अभ्रक आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झबुआ और दतिया में पाया जाता है। चीनी मिट्टी रीमा, ग्वालियर में पाई जाती है। एस्बेस्टस आपका झबुआ में पाया जाता है, एस्बेस्टस झबुआ में पाया जाता है। सीसा जबलपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद, दतिया यहाँ पाया जाता है। संगमरमर जबलपुर, बैतूल, ग्वालियर, झबुआ, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ग्रेनाइट पन्ना, छतरपुर, सागर, दतिया, यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है। तांबा मलाजखंड बालाघाट में पड़ता है ना, यहाँ पे मलाजखंड में आपका तांबा पाया जाता है। और सलीमनाबाद कटनी में पड़ता है, यहाँ पर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है डोलोमाइट, सबसे ज्यादा डोलोमाइट आपका एमपी में ही पाया जाता है। तो डोलोमाइट आपका पाया जाता है बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, ये सब जगह पे। स्लेट मंदसौर में पाया जाता है, ग्रेनाइट ये पन्ना, छतरपुर और सागर में पाया जाता है। तो मोटा मोटी आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसकी अवस्थिति है। ग्रेफाइट बैतूल में, कोयला शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा में, ठीक है, अभ्रक बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झबुआ, दतिया में, ठीक है। तो बेसिक कुछ कॉमन है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए तभी आप सही कर पाओगे, रटना पड़ेगा।
चीनी मिट्टी रीवा ग्वालियर में, एस्बेस्टस झाबुआ में, सीसा जबलपुर शिवपुरी होशंगाबाद दतिया में, संगमरमर जबलपुर बैतूल ग्वालियर झाबुआ छिंदवाड़ा में, ग्रेफाइट पन्ना छतरपुर सागर दतिया तांबा में, और जो हीरा है आपका वो पन्ना में पाया जाता है सर्वाधिक, ठीक है, तांबा मलाजखंड में और सलीमीनाबाद कटनी में, होशंगाबाद सागर में, डोलोमाइट आपका बालाघाट नरसिंहपुर सिमरी जबलपुर और स्लेट मंदसौर में यही पाई जाती है, स्लेट मंदसौर में, और ग्रेनाइट आपका पन्ना और छतरपुर सागर, ठीक है, स्लेट और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ एमपी में सबसे नंबर है, ठीक है, 100% स्लेट यही पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे पाए राज्य के प्रमुख जो है खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है प्रमुख खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ये वाला क्षेत्र भी देख लिया। एमपी से थोड़ा सा कुछ उपनाम दे लेते हैं, भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं आपका, एमपी का मुंबई इंदौर को कहा जाता है सबसे स्वच्छ नगरी है। अब ये मैं नहीं बताया, मैंने क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण वगैरह पढ़ा चुका हूँ, सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर हो, सब चर्चा मैंने करंट वगैरह भी कर रखी है, ठीक है। संगीत नगरी मैहर को संगीत नगरी के नाम से जानते हैं। पर्यटकों का स्वर्ग पंचमढ़ी को कहा जाता है। एमपी का लखनऊ सिवनी को कहते हैं। बौद्ध धर्म का स्थल जो है पवित्र स्थल आपका सांची के स्तूप को कहते हैं। संगमरमर का शहर आपका भेड़ाघाट को कहते हैं। मैग्नीज शहर बालाघाट को कहते हैं और आनंद का शहर मांडू को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ झीलों का शहर भोपाल, मुंबई एमपी का मुंबई इंदौर, संगीत नगरी मैहर, पर्यटकों का स्वर्ग पंचमढ़ी, एमपी का लखनऊ सिवनी, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल सांची और संगमरमर शहर भेड़ाघाट, मैग्नीज शहर बालाघाट और आनंद का शहर मांडू, तो ये कुछ इनके नाम है। उज्जैन का पुराना नाम अवंती था, है ना। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये कई बार क्वेश्चन आता है, भोपाल में अवस्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में अवस्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया कंप्लीट। हमने तीनों अधिनियम पढ़ लिए, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955, इसके बारे में डिस्कस हो गया। नदियों और इनके बारे में सारा डिस्कस हो गया। इधर नीचे ज्योग्राफी में मिट्टी हो गई, सेंसस हो गया आपका, इसका पूरा का पूरा जितना भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान और इनके बारे में डिस्कशन हो गया हमारा, ठीक है। सामान्य परिचय के बारे में हमने डिस्कशन कर ही लिया। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश की ये जलवायु के बारे में सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि चार भागों में जलवायु को बांटते हैं, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है जनजातियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली। एक बार अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जातियां भी काफी बड़ी संख्या में पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में सूचीबद्ध जातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है। तो आपका अनुच्छेद 341 SC से जुड़ा, शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वर्तमान में एमपी में 47 से अधिक जातियां हैं, ठीक है। सर्वाधिक SC इंदौर में रहते हैं, अनुसूचित जाति SC में इंदौर में रहते हैं। संख्या इनकी कितनी है, 5,45,239। तो ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसको रखा है, सर्वाधिक इंदौर में है। सबसे कम SC आपके झाबुआ में है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लोग झाबुआ में, सबसे ज्यादा इंदौर में है। और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो परसेंटेज के हिसाब से उज्जैन में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक SC परसेंटेज उज्जैन में है। और न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से इंदौर है और सर्वाधिक जो है आपका जो है उज्जैन परसेंटेज में, न्यूनतम SC जनसंख्या परसेंटेज में झाबुआ है। तो झाबुआ आपका न्यूनतम जनसंख्या और परसेंटेज दोनों में कम है, सर्वाधिक जनसंख्या में इंदौर है, सर्वाधिक SC परसेंटेज में उज्जैन। ये आपका आपका जनजाति जनजाति वाला क्षेत्र हो गया। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश का ये मास्टर वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें लगभग एमपी के हमने सभी विषयों को पढ़ लिया। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और जब आएगा तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना करिए, एमपी से आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन हो एमपी के बारे में जानकारी, जैसे कि अभी मैं इसमें एमपी का इतिहास नहीं दे पाया, एमपी के पर्यटक स्थलों को बहुत अच्छे से नहीं दे पाया, बहुत डिटेल से मुझे और देना था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। बाकी ये तीनों एक्ट को मैं पढ़ाऊंगा क्लास में, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और नागरिक अधिकारों का संरक्षण 1955, इस पे सेपरेट हम किसी दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, समझ में आया, कुछ नहीं आया, कम से कम मोटा मोटी आप लोग एमपी से परिचित हो गए। आपको ये नहीं कह सकते कि आप एमपी से परिचित हैं, ठीक है। तो ये आपका राज्यों में से तीसरा है, बिहार का हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, अगला नंबर राजस्थान का है। सर एमपी अधूरा है ना, अभी अधूरा है, इसे पूरा करवा देंगे, ठीक है, ये भी पूरा होगा, लेकिन राजस्थान का फिर
ये पूरा अधूरा है, लेकिन आपके क्वेश्चन इसमें अब एमपी से जो आएगा गलत नहीं होगा, आपका सेंसस पूरा आ जाएगा। जनजातियां हमने देख ली, हमने पूरा ज्योग्राफिकल हिस्सा देख लिया। काफी क्वेश्चन आते हैं एमपी से, अनुसूचित जाति जनजाति से ही 13-14 क्वेश्चन यहीं से आते हैं इससे, और बाकी एमपी को तो मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन एमपी में पूछे जाते हैं। एमपी से इसका बड़ा रोल है, दी यूपी में आप देखिए यूपी पीसीएस को इस बार नेग्लेक्टेड कर लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल, इसका बहुत बड़ा रोल होता है एमपी, क्योंकि बहुत फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको एक दो बार तीन बार देखना है, ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त करते हैं।